अफ्तार की खुसूसी नशात में आपको खुश आमदेद। खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। स्टूडियो इंजीनियर हमारे साथ तलहा भट्टी हैं। 7 अप्रैल 27 रमज़ान मुबारक इतवार संडे का खुशगवार दिन, रोशन दिन। 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचता दर्ज हरारत और ये रोशन दिन अब अपने अख्ताम के करीब है। मौसम अच्छा होता जा रहा है, खुदा करे अब मौसम बाहर का मौसम है, बाहर ही बाहर हो। वैसे तो ईद भी आएगी इंशाल्लाह, बाहर ही होती है, खुशी का दिन होता है। रोज़े जब ख़त्म होते हैं तो वह इनाम जो है वो ईद की सूरत में खुदा रब करीम जो है वो अता करते हैं। आज टोरंटो और इसके गुरुद्वारा में इफ्तार का वक्त 7:53 है। फ़िका जाफर के मुताबिक आज इफ्तार का वक्त 8:07 है। कल सुबह अख्ताम सहर 5:24 पर, फ़िका जाफर के मुताबिक जो अख्ताम है वो सहरी का वो होगा 5:13। अल करम ज्वेलर्स हमारे मेन स्पॉन्सर्स हैं और हमारे इफ्तार के नशात के आपको डायमंड ज्वेलरी चाहिए या आपको गोल्ड ज्वेलरी चाहिए, स्पेशल रमज़ान में 50% ऑफ लगाया, तो आपने कोई तोहफ़ा गोल्ड का देना है तो अल करम ज्वेलर्स तशरीफ़ ले जाइए। रेडियो पाकिस्तान का और टोरंटो 360 टीवी का हवाला दीजिए, आपको और बेहतर शायद आपको जो है इसमें आपको रियायत मिल सके। तो आपकी जो गोल्ड और डायमंड की तमाम ज़रूरियात के लिए अल करम ज्वेलर्स को आप याद रखिए। आपको ये बता दें कि रेडियो पाकिस्तान टोरंटो की नशात आप चिन FM 100.7 पर शाम 7:30 से रात 10 बजे तक मंडे टू फ्राइडे जो हैं वो सुन सकते हैं। सुना कीजिए, अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया कीजिए। टोरंटो 360 टेलीविजन चैनल की नशात अब तमाम IPTV बॉक्सेस, जादू बोल जूम बॉक्स के साथ साथ Apple TV, Amazon Fire TV और Roku TV के साथ साथ ऊबर ऐप के थ्रू रॉजर्स पे भी देख सकते हैं। हमारी ऐप भी आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप स्टोर पर जाकर टाइप कीजिए टोरंटो 360 TV। एंड्रॉइड आईफोन दोनों के लिए हमारे पास फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। 2 चैनल टोरंटो 360 टीवी और टोरंटो 360 इंटरनेट आप देख सकते हैं। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो की ऑनलाइन शादी 24 घंटे हमारी ऐप के थ्रू आप सुन सकते हैं। आपका अपना टेलीविजन चैनल है, देखा कीजिए, अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया कीजिए। हमारी सहरी और अफ्तारी की नशात आप यूट्यूब पर भी डायरेक्ट देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है टोरंटो 360 टीवी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। शुक्रिया आपका, काफ़ी तादाद में लोग अब यूट्यूब पर भी हमारी नशात देख रहे हैं और उनकी तादाद भी रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। फेसबुक पर हमारा जो प्रोफाइल है अर्शद भट्टी और रेडियो पाकिस्तान टोरंटो पेज पे यूट्यूब का ही लिंक हम शेयर कर लेते हैं, आप उसको क्लिक करके भी देख सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब पे हमारा जो मेन पेज है टोरंटो 360 टीवी का, वो आप कनाडा में उस पे जो भी पोस्ट करते हैं आप नहीं देख सकते हैं। मेटा एंड गवर्नमेंट ऑफ कनाडा कुछ मसला है, होपफुली जल्दी ठीक हो जाएगा, तो वो पेज भी जो है वो तमाम बाकी पेजेस जो मेन स्ट्रीम के हैं उसी तरह वो भी जो है वो बहाल हो जाएगा। अच्छा जनाब, प्रोग्राम का आगाज़ हम हस्ब मामूल करेंगे तिलावत कलाम पाक से। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स 3465 प्लैटिनम ड्राइव यूनिट 99 मिसिसागा या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Secondhand Canada is helping communities more than a decade. Here is our food bank, one of the most important aspects of our organization. We provide more than 125 hot meals per day to individuals who cannot afford it. We provide free clothing and household items to newcomers, refugees, and those in need. We believe every child deserves an education. This is why we started the free tutoring program from kindergarten to grade 8. Your generous donation will help us to reach many more to support for the food, shelters, and medical. Please donate generously. Visit our location. You can reach us by calling 905-624-0333. In the heart of Pakistan, they are calling out to Allah. They are calling for someone to heal them. From primary care to cancer treatment, Indus Hospital will treat millions on your behalf. This Ramadan, let's act. Let's unite to heal. Please donate today. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Babur today at 647-962-0007. Assalamu alaikum. From my family to yours, I want to wish you a very blessed Ramadan, a time of charity and spiritual contemplation. Ramadan reminds us to put others' needs before our own and to practice those values in our daily lives. I hope and pray that the blessing of this holy month shower upon you and your loved ones. Ramadan Mubarak. Did you know that staging your home can result in more than 7% return over the list price? Welcome to Sparrenes Home Staging and Interior Design, where we transform your houses into dream homes. Our experts meticulously select each element to bring spaces to life, helping buyers envision their future and creating that emotional connection. We have our own transportation and logistical arrangements. No waiting on outside vendors. We ensure a quick turnaround to complete any project efficiently. Let us bring your space to life and help you achieve top dollars for your home, because it's not just about selling a property, it's about creating a future. You know, we were always trying how to get a house. You remember the Royal Financial Group flyer you gave me for the mortgage? Oh yes, Shiraz Hussain, who did our mortgage too. Yes, I actually went to their office. The staff was so professional. They're expert in their services. And you know what Shiraz said? We have more than 100 lenders to help you to find our right qualified lenders and program for your purchase, refinancing, any of your commercial needs. At the Royal Financial Group, we deliver what we promise. Royal Financial Group. Never put a limit on your dreams. Radio Pakistan Toronto. रेडियो पाकिस्तान टोरंटो की नशियात अब आप सुन सकेंगे चिन FM 100.7 पर हर शाम 7:30 से रात 10 बजे तक अपने होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी के साथ। आपकी आवाज, आपकी बातें, हमदोनात, न्यूज, टॉक शोज, आपकी मौसीकी आप ही के अंदाज में। अब आप सुनिए रेडियो पाकिस्तान टोरंटो की नशियात चिन FM 100.7 पर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड स्पॉन्सरशिप कॉल 416-300-5600। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो, आवाज का सफर दिल से दिल तक। Introducing contemporary traditional style freehold townhomes that are designed for potential multi-residential units. Conveniently located in serene and lush town of Beaverton, Ontario. New Highway 404 extension, walking distance to the beach, designated fishing area, excellent positive cash flow potential through Airbnb. Live at a home that pays for itself. Limited offer with our exclusive deposit structure of $2,000 per month. Don't wait. Serene lakeside community, Beaver on the Lake awaits you. A criminal charge can be an ugly and nasty surprise. Don't let bad decisions or unfortunate circumstances take control of your life. The criminal lawyers at Alam Law Chambers will listen to your story and develop the best defense for you. Nothing in life is more important than your freedom. Reliable and affordable, Alam Law. Hey Ontario, are you paying too much for the wrong insurance coverage? The Big Pickering has access to over 30 insurance providers. Our team of over 50 insurance brokers will work with you to find the lowest price for your home, auto, life, and business insurance without compromising on coverage. Big Pickering is an award-winning brokerage thanks to our hassle-free claims experience. So visit thebigpickering.ca or call 416-639-6100 to join the thousands of Canadians who trust Big and start saving on insurance. Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals. Team Farhan, mortgage solutions designed for you. 15-year experience of mortgage services. Customized mortgage solutions as per your need. Commercial, residential, construction and agricultural mortgage. Our lowest mortgage rate. Team Farhan ko ek dafa khidmat ka zarur mauka dijiyega. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. 416-569-9294 teamfarhan.com. ज़कात किसको दें? दावत इस्लामी जो लाखों बच्चों को फ्री दीनी तालीम दे रही है, करोड़ों मुसलमानों की फलाही इमदाद भी कर रही है, थैलेसीमिया के मरीज बच्चों को या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टोरंटो 360 टेलीविजन चैनल के इफ्तार की ख़ुसूसी नशात में आपको एक बार फिर खुशामदीद। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। स्टूडियो इंजीनियर हमारे साथ तला भट्टी हैं। आज टोरंटो और उसके गुरुद्वारा में इफ्तार का वक्त 7:53 है। फिकर जाफर के मुताबिक आज इफ्तार का वक्त 8:07 है। हमारे इफ्तार की नशात के मेन स्पॉन्सर अल करम ज्वेलर्स हैं। आप अपने डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी की जो भी आपकी ज़रूरत हो, आप यहाँ जाके अच्छा इनसे जो है आप सर्विसेज भी ले सकते हैं और आपके लिए बहुत ही स्पेशल डिस्काउंट इस माह मुबारक में भी आपको कर देंगे। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो के निशात चिन FM 100.7 पर शाम 7:30 से रात 10 बजे तक आप सुना कीजिए, मंडे टू फ्राइडे सुना भी कीजिए। अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया कीजिए। अजनब, आज के प्रोग्राम में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए पेश करेंगे। डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब का बयान रोज़ाना की तरह आज भी प्रोग्राम में शामिल है। कुछ विज़ की बस आखिरी किस्तें रह गई हैं, तो बस आप देखें अब फैसला हो रहा है कि कौन विनर होगा। खासी अच्छी परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स ने दी हैं और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन भी रही जनाब आरिफ साहब की, आरिफ जहांगीर साहब की। और तला ने बड़ा टेक्निकली इसको ज़बरदस्त प्रोडक्शन दी है, यकीनन आपको भी पसंद आया होगा। जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। तवाज़ो कल हमने कुरान पाक की रोशनी में और आज हदीस मुबारका की रोशनी में उसके थोड़ी तफसील आप तक बताएँगे और इस तरह रात के क़याम की फजीलत के हवाले से उसको कम्प्लीट करेंगे, क्योंकि उसको मैं इसलिए कंटिन्यू किया है ताकि आप भी अब इंशाअल्लाह ताला इस तहज्जुद की नमाज को, रात के क़याम को जो है वो रमज़ान के बाद भी कंटिन्यू ही रखें। सदका फ़ितर की फजीलत क्या है, उस हवाले से हदीस मुबारक आपके लिए शेयर करेंगे। आपके साथ हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी के वाक़यात हैं, उसको आज हम कंप्लीट करें। वक्त हुआ तो अस्माए हुस्ना के कुछ ख़ास भी आपके लिए बयान करेंगे। अजनाब, आप हज़रत उमर बिन अब्सा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, अल्लाह रब्बुल करीम अपने बंदे को सबसे ज़्यादा नज़दीक, रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह रब्बुल करीम अपने बंदे के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है। अगर तो उस वक्त अल्लाह का जिक्र करने वालों में शामिल हो सकता है तो ज़रूर हो जाए। और ये आप इस्लाम से पहले भी जो है वो रात के क़याम जो है वो मुख्तलिफ जो अंबिया कराम हैं उस हवाले से उसकी तलकीन किया करते थे। लोग रात का क़याम जो है उससे पहले, इस्लाम से पहले भी जो है वो किया करते थे। हज़रत अस्मा बिन यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग क़यामत के दिन एक मैदान में इकट्ठे किए जाएंगे और एक मनादी ऐलान करेगा कि जिन लोगों के पहलू अपने रब की याद में बिस्तरों से जुदा रहते थे वो कहाँ हैं। वो खड़े हो जाएं, उनकी तादाद गो के कम होगी, वो जन्नत में बग़ैर हिसाब व किताब के दाखिल हो जाएंगे। बाकी बच जाने वाले लोगों से हिसाब व किताब का हुक्म जो है वो जारी किया जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान के आलिम और आमिल और शब जिंदादार लोग जो हैं मेरी उम्मत के अशराफ यानी सरदार हैं। इसी तरह से हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि तौरात में लिखा है कि अल्लाह ताला ने तहज्जुद गुजारों के लिए ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं जो किसी की आँख ने देखी नहीं, किसी कान ने नहीं सुनी, किसी इंसान के दिल में इनका ख्याल तक नहीं आया और ना ही इन्हें कोई मुकर्रब फरिश्ता जानता है, ना ही कोई नबी मुरसल। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम भी कुरान पाक में इस मफ़हूम के हम मानी आयात तिलावत करते हैं, बस कोई जान नहीं जानती उनके वास्ते जो आँखों की ठंडक छुपा रखी है, ये सिला उनके कामों का। तो जैसे मैंने पहले कहा कि इससे पहले भी जो इससे पहली उम्मतें थीं उनमें भी रात के क़याम के हवाले से हिदायत थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब ताला हर रात को जब रात का तिहाई हिस्सा गुजर जाता है तो आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं और फरमाते हैं कि है कोई जो मुझसे दुआ करे मैं उसकी दुआ को कबूल करूं, कोई जो मुझसे सवाल करे मैं उससे अता करूं, कोई जो मुझसे माफ़ी मांगे मैं उसे बख्श दूं। तो ये वक्त जो है ये माफ़ी का, अल्लाह रब्बुल करीम से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का तलब और अपनी जायज़ ख्वाहिशात का, अपने जायज़ कामों का, अपनी बेहतरी के लिए, अपनी भलाई के लिए दुआ करने का वक्त जो है वो रात के क़याम का वक्त होता है। इसी तरह से आखिरी हदीस मुबारक जो आज आपसे शेयर कर रहा हूँ, हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला काम जो मैंने सुना वो ये था, ए लोगो सलाम फैलाओ, कसरत से एक दूसरे को सलाम किया करो, खाना खिलाया करो, खूनी रिश्तों के साथ भलाई किया करो और रातों को नमाज़ पढ़ा करो जबकि लोग सोए हुए हों, तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। तो सबसे ज़्यादा ज़ोर इसी हवाले से। अच्छा, खाना खिलाने के हवाले से भी बहुत जो है अल्लाह रब्बुल करीम, जो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जो शायद उस तरह से उन पर इनायत, उस तरह से मुश्किल वक्त इंसान पे आ जाता है, तो अब कहीं जो फूड बैंक्स होते हैं वो कोशिश किया करें आप या तो मतलब पका हुआ खाना या जिन चीज़ों से खाना बनता है वो फूड बैंक में कोशिश करें कि आप ज़रूर, अगर अल्लाह रब्बुल करीम ने आपको इस्तात दी है तो ज़रूर फूड बैंक की जो इमदाद है आप ज़रूर किया करें। चलिए जनाब, इस वक्त हम आपके लिए पेश कर रहे हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको बताते हुए कि टोरंटो और इसके गुरुद्वारा में अफ्तार का वक्त 7:53 है। हमारे अफ्तार के नशात के मेन स्पॉन्सर अल करम ज्वेलर्स हैं। आइए सुनते हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरे आस्था से पहले कोई जगह पर आस्था है, नबी का उठ कितना टुकड़ा आसमां है तेरे आसितां से पहले कोई आसितां नहीं था। वो ज़मीं था मैं के जिसका, वो ज़मीं था मैं के जिसका कोई आसमां नहीं था। तेरे आस्तां से पहले सफ़रे समा से पहले तेरे नक्श पा से पहले सफ़रे समा से पहले तेरे नक्श पा से पहले ये तब सर कह कशा नहीं था। आका तेरे आस्तां से पहले वो शहवाराए दी शहे बराए दीदा मैं नवाए ना रसीदा तेरी रहमतों से पहले कोई दर में आ नहीं। आका तेरे आस्तां से पहले तू जवाज़े दो जहां है, तू ही राज़े कुल फ़का है, तू जवाज़े दो जहां है, तू ही राज उन फका है। आका तू कहाँ कहाँ नहीं है, तू कहाँ कहाँ नहीं। तेरे आस्तां से पहले कई आंसुओं के कुलज़ुम तेरे दर पे बह चुके, ते कई आंसुओं के कुलज़ुम तेरे दर पे बह चुके हैं। गम दिल का तुझसे पहले कोई राज दा नहीं था। आका तेरे आस्तां से पहले कोई आस्तां नहीं था, वो ज़मीं था मैं के जिसका कोई अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Radio Pakistan Toronto, Radio Pakistan Toronto की नशियात अब आप सुन सकेंगे चिन FM 100.7 पर हर शाम 7:30 से रात 10 बजे तक अपने होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी के साथ। आपकी आवाज, आपकी बातें, हमदोनात, न्यूज, टॉक शोज, आपकी मौसीकी आप ही के अंदाज में। अब आप सुनिए रेडियो पाकिस्तान टोरंटो की नशियात चिन FM 100.7 पर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड स्पॉन्सरशिप कॉल 416-300-5600। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो, आवाज का सफर दिल से दिल तक। अपने प्यारों को बुलाइए, कनाडा में बसाइए। ICC इमिग्रेशन मुस्तकबिल संवारे आसानी के साथ, ICC के साथ। ICC इमिग्रेशन की RDMD और उनकी प्रोफेशनल टीम हेड ऑफिस मिसिसागा से आपको सर्व कर रही हैं। बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप या किसी भी अप्रूव कैटेगरी में आप अपने प्यारों को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो अभी कॉल कर लें 905-461-2424। ICC इमिग्रेशन। POB, जहाँ बिला तफरीक और बिला मुआवजा लोगों की आंखों का इलाज किया जाता है। 3,50,000 से जायद कामयाब ऑपरेशंस, लाखों शफायाब मरीज और 3 नए सैटेलाइट क्लिनिक्स। अपने सदकात, ज़कात और अतियात के साथ आइए दिल खोलकर इस सफर में साथ बढ़ाते हैं। अंधेरों से लड़ते हैं, नूर फैलाते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ते रहना ही कामयाबी है और कनाडा में कामयाबी शुरू होती है अपने घर से। तो अगर आप घर खरीदना या बेचना चाहते हैं तो चुनिए सिर्फ ऑनेस्ट, एक्सपीरियंस्ड एंड डेडिकेटेड रियल एस्टेट प्रोफेशनल को, लाइक मोहम्मद कमालुद्दीन। रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट्स और प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के डाइवर्स एक्सपीरियंस के साथ एक्सपेक्ट नो सरप्राइजेस, जस्ट ऑनेस्ट कस्टमर सर्विसेज फ्रॉम मोहम्मद कमालुद्दीन। सो कॉल नाउ एट 416-890-2501। Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. अल्लाह मियाँ, अब्बू के जाने के बाद जिनकी वजह से स्कूल जा रही हूँ, उनका ख्याल रखिएगा। तन्हा होने के बावजूद भी अकेला नहीं हूँ। आगोश मेरे लिए मेरा वाहिद घर है। दुआ तकदीर बदलने का फन जानती है, तो क्या ही अफजल हो कि किसी की दुआ ले ली जाए। अल खिदमत निभा रहा है हजारों यतीम बच्चों की जिम्मेदारियाँ। आप भी ज़कात और अतियात देकर शामिल हो जाएं मासूम दुआओं में। मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान। करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम, हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी एंड फ्लेवर्ड विद पैशन। दुनिया भर में दीन इस्लाम का परचम बुलंद करने वाली, हजारों हजार लोगों को मुसलमान करने वाली दावत इस्लामी, जो साल की 600 के करीब मस्जिदें भी बनाती है और गरीब और नादार मुसलमानों की इमदाद भी करती है। आइए इस बार अपनी ज़कात दीजिए अपनी दावत इस्लामी। If you are looking for an honest, dependable and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi and driving school car safety inspection, winter, summer and all-season tire packages available, best selection of used cars for sale. We are family owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050. राहत बेकर्स एंड स्वीट्स 1950 से आपके हसीन लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स। रमजान मुबारक में अफ्तार के लिए समोसे, कचोरियाँ, चिकन पैटीज, चिकन ब्रेड और बहुत कुछ। वही ऑथेंटिक जायका और क्वालिटी पाकिस्तान से अब आपके शहरों मिसिसागा और एजेक्स में, कुछ मीठा कुछ नमकीन। आज ही इनकी किसी भी लोकेशन को विजिट कीजिए। 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट मिसिसागा, 5955 लेटरमैन ड्राइव मिसिसागा और 1 रोजलैंड रोड वेस्ट एजेक्स, या लॉग इन हो rahatbakers.ca। The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters and real estate, serving the community in English, Punjabi, Hindi and Urdu. For more information, call Tahir Majeed, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टोरंटो 360 टेलीविजन चैनल के इफ्तार की खुसूसी नशियात में आपका एक बार फिर खुशामदीद। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। स्टूडियो इंजीनियर हमारे साथ ताला भट्टी हैं। 7:53 7:53 आज टोरंटो और इसके गिरदोनवा में अफ्तार का वक्त है। फ़िका जाफरा के मुताबिक आज अफ्तार का वक्त 8:07 है। अल करम ज्वेलर्स हमारी इस अफ्तार की नशियात के मेन स्पॉन्सर्स हैं। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो की नशियात आप चिन FM 100.7 पर शाम 7:30 से रात 10 बजे तक मंडे टू फ्राइडे सुन सकते हैं। आप सुना भी कीजिए, अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया कीजिए। आज जनाब हमने सहरी की नशात में तवाज़ो के हवाले से, कुरान मजीद की रोशनी के हवाले से बात की थी। आज हदीस मुबारका की रोशनी में इस हवाले से सिलसिले कंटिन्यू करेंगे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार तवाज़ो इख्तियार करने, नरमी से बात करने और तकबर से बचने का हुक्म दिया। और हमेशा ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तनवी अगर आप देखें तो किस तरह लोगों से पेश आते थे, कितने सब्र से पेश आते थे, कितने तहम्मुल से पेश आते थे, कितने इखलाक से पेश आते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बेशुमार अहादीस जो हैं वो रिवायत की गई हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका देने से माल कम नहीं होता और अल्लाह ताला माफ़ करने के नतीजे में बंदे की इज़्ज़त को बढ़ाता है, और जो शख्स भी अल्लाह पाक की खातिर तवाज़ो और इनकसारी इख्तियार करता है अल्लाह ताला इसका रुतबा, इसका दर्जा जो है वो बुलंद फरमा देते हैं। आजिज़ी जो है वो बड़ी ही ज़रूरी है, हर हाल में शुक्रगुजारी है ना, आजिज़ी शुक्रगुजारी के साथ आती, इंसान आजिज़ रहे, कई बड़ाई नहीं, किसी किस्म का तकबर नहीं, तवक्कल, जो चीज़ मिल गई उस पर खुदा का शुक्र अदा करना, दूसरे का एहसान मानना, मदद करना, ये तमाम चीज़ें तवाज़ो में आती हैं। और इसी तरह से हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझको वही भेजी है कि आपस में एक दूसरे की से तवाज़ो करो और कोई दूसरे पर सरकशी, जुल्म और बगावत ना करे। एक दूसरे के साथ हमेशा मामला जो है वो उसने सलूक के साथ पेश आया जाए। इसी तरह से हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार की अयादत तीमारदारी करते, जनाजे के साथ जाते, ग़ुलाम अगर दावत देता तो कबूल करते, गधे पर सवार हो जाते। जिस दिन करीज़ा का, बनी करीज़ा का वाक़या हुआ, उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गधे पर सवार थे, इसकी रस्सी खजूर की छाल की थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी का ज़हन खजूर के पत्तों का था। हज़रत मक़बूल रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान रखने वाले लोग बर्दबार, नरम खू, फर्मा बरदार होते हैं, इस ऊँट की तरह जिसकी नाक में नकेल पड़ी हो और इसको खींचा जाए तो चला आए, पत्थर पे बिठाया जाए तो पत्थर पे बैठ जाए। तो ये सरेंडर जो है ना जी, अल्लाह की ज़ात के आगे जो है वो अपने आप को बस सरेंडर कर देना, यही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और उसी से इंसान को मिलता उसी को है जो आजिज़ होता है, जो कुर्बानी देने वाले को ही कुछ ना कुछ है वो हासिल होता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके दिल में सरसों के दाने के बराबर भी तकबर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। इस पर एक आदमी अर्ज़ की, एक आदमी चाहता है कि उसके कपड़े अच्छे हों, इसकी जूती अच्छी हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक खूबसूरत और जमाल, खूबसूरती ही को पसंद करता है, तकब्बुर तो हक़ की तरफ से मुंह मोड़े और दूसरों को कमतर समझने के लिए है। आप अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी जूती पहने, अच्छे घर में रहें, अच्छी गाड़ी, लेकिन जब आपके दिल में ये ख्याल आ जाए कि मैं बड़ा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, वो कमतर है, दूसरों को हकीर जाने, उसके बारे में तमस्खर उड़ाए, तो ये खुदा को किसी तौर पर पसंद नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने सब इंसानों को बराबर जो है वो पैदा किया और कोई पता नहीं किस वक्त किसको अल्लाह रब करीम नवाज दे और किसकी तनज़्ज़ुली हो जाए, तो अल्लाह रब करीम की ज़ात बेहतर जानती। तो अल्लाह रब करीम से हर हाल में उसके करम के, फजल की जो है वो दुआ करती रहनी चाहिए और खुदा के आगे सर झुका के उसके हुक्म की तामील जो है वो हमेशा जो है वो करती रहनी चाहिए। हज़रत आखिरी हदीस और उसके बाद इंशाल्लाह आपके लिए पेश करेंगे डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब का बयान। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक फरमाता है कि तकब्बुर मेरी चादर है और बड़ाई मेरा आज़ार, जो कोई इन दोनों में से किसी के लिए मुझसे झगड़ा करेगा मैं उसको जहन्नुम में डाल दूँगा। इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। तो चलिए जनाब, इस वक्त हम आपके लिए पेश कर रहे हैं डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब के कुछ और तवाज़ो के दर्जात और मुश्किलात और वाक़यात के बारे में भी कुछ बात है, तो वक्त मिला तो मैं इसको भी ज़रूर शामिल करूँगा क्योंकि बड़ी अच्छी बातें हैं और उसमें काफ़ी मैसेज, इसमें पैगाम अच्छा है। तो आपके लिए पेश करें डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब का आज का बयान। और आपको बताते हुए कि अल करम ज्वेलर्स हमारे इफ्तार के नशात के मेन स्पॉन्सर हैं और इसके साथ साथ रेडियो पाकिस्तान टोरंटो के नशात आप चिन FM 100.7 पर शाम 7:30 से रात 10 बजे तक सुन सकते हैं। तो आइए डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब का बयान सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रोजेदार के लिए दो खुशखबरियां हैं। एक खुशखबरी वो कि जो उसको हासिल होती है हर इफ्तार पे, जब वो रोज़ा गुजार के इफ्तार करता है, रोज़ा खोलता है तो उसको खुशखबरी मिलती है। और एक खुशखबरी उसको तब मिलेगी जब वो अपने मालिक से मिलेगा, अपने रब से मिलेगा। ये एक नहायत हकीमाना तशबीह है रोज़े की बंदाए मोमिन की ज़िंदगी के साथ। जैसे रोज़े की हालत में एक मुसलमान, एक साहिब ईमान इंसान अल्लाह की खातिर अपनी फितरी ख्वाहिशात से, ज़रूरियात से गुरेज करता है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए और आखिरत की कामयाबी के लिए। और फिर जब वो मुद्दत ख़त्म होती है, दिन का वो हिस्सा आ जाता है कि जब रात का आगाज़ होने लगता है तो वो रोज़ा खोलता है और उसके ऊपर से पाबंदियाँ ख़त्म हो जाती हैं और उसे खुशी मिलती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही मामला बंदा मोमिन का उसकी पूरी ज़िंदगी का है। इस दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने कुछ हमें ऐसी आजमाइश में डाला है कि बहुत सी वो चीज़ें कि जिनकी हमारे अंदर ख्वाहिश पैदा होती है, जो हमें अपनी तरफ मायल करती हैं, राग़िब करती हैं, लेकिन हमारे लिए वो नाजायज़ है। अल्लाह ने उनको हमारे लिए हराम करार दिया है और इस वजह से हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अपनी आखिरत की कामयाबी के लिए उनसे गुरेज करते हैं और ये कशमकश दुनिया में जारी रहती है। और हम भरपूर कोशिश करते हैं कि हमसे कोई नाजायज़ काम ना हो, हम कोई हराम काम ना करें और हमारे जिस्म से, हमारे अमल से, हमारी निगाहों से, हमारे कानों से कोई ऐसी हरकत ना हो कि जिससे अल्लाह ताला की नाफरमानी हो। भूल चूक हो जाती है तो हम अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन बहरहाल दुनिया की ज़िंदगी है सब्र आज़मा, यानी इसमें इंसान को अपने आप को बुराई से रोकना होता है। बुराई की तरफ रगबत पैदा होती है, इंसान कमज़ोर है, शैतान वसवसा अंदाजी करता है और इंसान को तरह तरह के जतन, तरह तरह के तरीक़े, तरह तरह के दलाइल पेश करता है कि वो बुरे रास्ते की तरफ चल पड़े। ज़ाहिर है कि लोग भी बहुत से होते हैं जो इंसान को बुराई की तरफ माइल करते हैं और इंसान इस सब को बर्दाश्त करता है। क्यों? इसलिए कि उसका रब उससे ये चाहता है, इसलिए कि उसे ये मालूम है कि ये दुनिया की ज़िंदगी तो आर्जी है, इसमें तो अल्लाह का बंदा इम्तिहान से गुज़र रहा है। इस इम्तिहान के ख़ात्मे पर उसका ये जो फेज़ है ज़िंदगी का जिसमें उसे अपने आप को बुराई से, बुराई की तरफ रग़बत होने के बावजूद अपने आप को रोकना है, ये फ़ेज़ ख़त्म हो जाएगा। जब ये फ़ेज़ ख़त्म हो जाएगा और इंसान कामयाबी से दुनिया का रोज़ा रख के आखिरत की ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ाएगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके लिए वहाँ भी खुशी का मौका होगा, उसको खुशखबरी मिलेगी कि तुमने दुनिया की ज़िंदगी का इम्तिहान, या इस तशबीह को लीजिए तो दुनिया की ज़िंदगी का रोज़ा कामयाबी से गुजार लिया है, अब तुम्हारे लिए खुशखबरी है, अब तुम्हारे लिए खुशियाँ हैं। सो रोज़ा इस लिहाज से एक बहुत खूबसूरत, बहुत मुअस्सर याद दहानी है कि जैसे हम रोज़ा गुजार रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक भूखा प्यासा रह के, वैसे ही ये दुनिया की ज़िंदगी भी एक रोज़ा है, इसमें भी हमें अपने आप को रोके रखना है अल्लाह की रज़ा के लिए, आखिरत की कामयाबी के लिए। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Ramadan Kareem to all of my brothers and sisters. I wish you many blessings this year. I hope that your prayers come true and that you have a wonderful time with your family, friends, and with the community. Once again, happy Ramadan. Hello, Assalamu Alaikum. This is Iqra Khalid, your Member of Parliament in Mississauga, Erin Mills, wishing all Muslims that are commemorating a very blessed month of Ramadan. Ramadan Mubarak to each and every one of you. During the month of Ramadan, we break bread together, we practice the teachings of our religion, of charity, of faith, of discipline, of coming together and helping those that are less fortunate. During this month of Ramadan, I hope that we will come together and pray for those that are suffering from across the world, especially our brothers and sisters in Palestine. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the hidayah to do more for our brothers and sisters across the world. To each and every one of you, from my family to yours, Ramadan Mubarak. Radio Pakistan Toronto. Radio Pakistan Toronto की नशियात अब आप सुन सकेंगे चिन FM 100.7 पर हर शाम 7:30 से रात 10 बजे तक अपने होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी के साथ। आपकी आवाज, आपकी बातें, हमदोनात, न्यूज, टॉक शोज, आपकी मौसीकी आप ही के अंदाज में। अब आप सुनिए रेडियो पाकिस्तान टोरंटो की नशियात चिन FM 100.7 पर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड स्पॉन्सरशिप कॉल 416-300-5600। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो, आवाज का सफर दिल से दिल तक। Thinking of buying, selling or investing in real estate, whether it be residential, commercial or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. At Humanity, Ramadan begins with being thankful for the blessings we've received and giving with gratitude. In Pakistan, your Sakat provides struggling villagers with access to clean water. About 10,000 liters every day. Every day? It's a purified clean water. Clean, accessible water ensures a healthy future for the children of Pakistan. In Gaza, your donation will provide relief to survivors of war. نشكر مؤسسة Humanity على تسليم الخير وخمس فرشات وخمس حرامات بارك الله فيك. With your Sakat, you have the power to soothe their tears, to fill someone's heart with gratitude. This Ramadan, give with gratitude. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा। A vision is a picture of future. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. In this world, nothing is certain except death and taxes. But did you know that if you don't plan properly, your family can lose 25 to 50% of your hard-earned assets to taxes when you die? It doesn't have to be that way for you. For over 20 years, my team and I have been helping small business owners, corporate professionals, and wealthy families minimize their taxes and maximize their estates. Your planned future success is our passion. We look forward to helping you to maximize your financial life and legacy. Call me when you are ready. ज़कात किसको दें? दावत इस्लामी जो लाखों बच्चों को फ्री दीनी तालीम दे रही है, करोड़ों मुसलमानों की फलाही इमदाद भी कर रही है, थैलीसीमिया के मरीज बच्चों को ब्लड भी दिया जा रहा है, यतीम बच्चों की किफालत का इंतजाम भी है। क्यों ना दे ज़कात अपनी दावत इस्लामी को? दुआ तकदीर बदलने का फन जानती है, तो क्या ही अफजल हो कि किसी की दुआ ले ली जाए। अल खिदमत फाउंडेशन हजारों यतीम बच्चों की कफालत समेत लाखों जरूरतमंदों की जिंदगियों में आसानी ला रहा है। आप भी ज़कात और अतियात देकर शामिल हो जाएं लाखों दुआओं में। Are you ready, Toronto? Moshik and Shiraz Hussain, in association with Realink Law, present Pakistan's biggest rock band. Junoon, live in Toronto. Featuring Ali Azman, Salman Ahmad, Brian O'Connell. On Saturday, May 4th at CAA Centre. Tickets available at ticketmaster.ca. Call Moshik or Shiraz Hussain. Welcome to Panam Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us, with Panam Blinds in Improve. You can save your 85% energy. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have and enjoy your comfort of life. Bismillahirrahmanirrahim. Respected brothers and sisters, we are now here inside Gaza between the rubbles and destructions. Behind me, as you see, complete destructions of the buildings and homes inside Gaza Strip. There are at least 1 million IDPs inside Gaza Strip, and the humanitarian situation is going worse for millions of the people who are living here in this land. Alhamdulillah, Iqra Khalid is on the ground here in Gaza providing emergency response to help their brothers and sisters in where situation is going very worse. This is the worst disaster for the Palestinians since 1967. We have at least 20,000 apartments and buildings have been destroyed completely due to the attack and ongoing airstrikes on Gaza Strip. We hope from you, brothers and sisters, to continue your fund, to continue your aid so that, inshallah, we can reach to the thousands of IDPs so that can help your brothers and sisters in Gaza. All thanks for our donors. May Allah subhanahu wa ta'ala accept all your donation. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टोरंटो 360 टेलीविजन चैनल की इफ्तार के खुसूसी नशात में आपको एक बार फिर खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। स्टूडियो में हमारे साथ आला भट्टी हैं। 7:53 आज टोरंटो और इसके गिरदोनवा में इफ्तार का वक्त है। पिक जाफरे के मुताबिक आज इफ्तार का वक्त 8:07 है। अल करम ज्वेलर्स हमारी इस इफ्तार के नशात के मेन स्पॉन्सर हैं। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो के नशात की भी बार बार बात इसलिए करते हैं कि बहुत से लोगों को इल्म नहीं है, क्योंकि अभी हमने 1 अप्रैल से यहाँ पर चैनल शिफ्ट किया है और जो 100.7 चैनल है ये ओल्डेस्ट चैनल साउथ एशियन जहाँ से ट्रांसमिशन होती थी ओल्डेस्ट है और GTA का पावरफुल 3 स्टेशन है, तो दूर दूर तक इसकी नशात जो हैं वो सुनी जा सकती हैं। तो आप ज़रूर हमारा प्रोग्राम भी सुनिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, हम सदका फ़ितर के हवाले से बात करना चाहते हैं। सदका फ़ितर जो है वो ईद की नमाज से पहले अदा किया जाता है। अब इसमें मुख्तलिफ रवायत हदीस मार्का में कि कोई लफ्ज़ें हो जाएँ, कोई ऐसी बात हो जाए रोज़ा के दौरान, तो ये किस्म का उसका भी कफ़ारा होता है। और दूसरा एक सदका है और ये गरीबों तक, मोहताजों तक जो है पहुँचता है ताकि उनकी भी ईद जो है वो बेहतर तौर पर जो है वो हो सके। अच्छा, इसमें दो तीन उस ज़माने के हवाले से सा एक कहा जाता कि निसफ सा गंदम का, एक सा खजूर, जौ या किशमिश का, तो उसमें डिफरेंट वहाँ पे अगर उसको कैलकुलेशन करें, मेरे ख्याल में गंदम 2 किलो बनती है और बाकी 4 किलो सा, एक सा जो है मुताबिक इससे कुछ ग्राम्स के बारे से बनता है, लेकिन उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। तो हम यहाँ पे तो फिर एक मखसूस बता देते हैं कि $15 है या $20 है पर पर्सन। जितने भी आपके घर के अफराद हैं, चाहे एक दिन का बच्चा है, वो तमाम, या फिर इस तरह से उस ज़माने में ग़ुलाम और बाकी लोग हुआ करते, तो तमाम को पर पर्सन जो है वो अदायगी सदका फितर की होती थी बिफोर दी नमाज ऑफ द ईद। तो यहाँ पे अगर कोई $15 निसाब मुकर्रर किया है, कुछ लोगों ने 20 का निसाब मुकर्रर किया है, किसी के 4 लोग हैं तो $60 या $80 बनेंगे, 5 लोग हैं तो $80 या $100 बनेंगे। तो नमाज से पहले सदका है, अल्लाह बकरी रिज़्क़ में इजाफा फरमाता है इससे, तो ज़रूर। और फिर बहुत से इदारे हैं ऐसे जो मुख्तलिफ़ जगहों पर सदका फितर जो है वो कलेक्ट करके उसको ईद से पहले पहले पहुँचा भी देते हैं, या यहाँ पे बहुत सी जगहों पे जब वो काम आ रहा है, तो ज़रूर आप अभी तक अगर आपने नहीं अदा किया। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बैक होम कह देते हैं कि अदा, वो तो बहुत कम होता है। वहाँ पे अगर फ़र्ज़ कर लीजिए 2 किलो अगर गंदम बनती कितने की हो गई, या कश्मीश महंगी तरीन जो है वो 3-4 हज़ार रुपये की बन जाएगी, तो वो तो बहुत कम पैसे बनते हैं। तो डॉलर्स में दें ताकि लोगों को भी जो है जिन तक पहुँचे वो इंशाअल्लाह ताला उनको जो है फ़ायदा भी हो, और यकीनन गरीबों के लिए तो आपकी इमदाद जो है अल्लाह ने आपको इस्तात दी है, तो ज़रूर कीजिएगा। तो मैं कुछ हदीस मुबारक आपके लिए पेश करता हूँ। कुरान पाक की आयत तौबा, सूरह तौबा की आयत है, बेशक सदक़ात ज़कात महज़ गरीबों और मोहताजों और उनकी वसूली पर मुकर्रर किए गए कारकुनों और ऐसे लोगों के लिए जिनके दिलों में इस्लाम की उल्फत पैदा करना मकसूद हो, मज़ीद ये कि इंसानी गर्दनों को ग़ुलामी की ज़िंदगी से आज़ाद कराने में और कर्जदारों को बोझ उतारने में और अल्लाह की राह में और मुसाफिरों पर ज़कात का खर्च किया जाना हक है। ये सब अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ किया गया है और अल्लाह खूब जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। इसी तरह से सूरह तौबा की एक और आयत का तर्जुमा है, आप इनके अमवाल में से सदका ज़कात वसूल कीजिए कि आप इस सदका के बायस इन्हें गुनाहों से पाक फरमा दें और इन्हें ईमान व माल की पाकीज़गी और बरकत बख्श दें। इनके हक़ में दुआ फरमाएँ, बेशक आपकी दुआ इनके लिए बायस तस्कीन और अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। और इसी तरह से बेशक वही बामुराद हुआ जो नफ्स की आफतों और गुनाह की आलूदगियों से पाक हुआ और अपने रब के नाम का जिक्र करता रहा, कसरत पाबंदी से नमाज पढ़ता रहा। तो ये तो कुरान पाक की आयत के तर्जमे थे। हदीस नबवी है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितराने की ज़कात फ़र्ज़ फरमाई है जो 1 सआ खजूर या 1 सआ, जो हर ग़ुलाम और आज़ाद मर्द के, औरत, छोटे बड़े मुसलमान की तरफ से हुक्म फरमाया है, और लोगों नमाज ईद निकलने से पहले ही इसे अदा कर दें। ये हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है। इसी तरह से हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि हम सदका फितर का 1 सआ खाना निकाला करते थे, 1 सआ या 1 सआ खजूरें, 1 सआ पनीर, 1 सआ कशमिश। ये भी हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है। इसी तरह से हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सदका फितर नमाज ईद के लिए जाने से पहले अदा किया जाए। सलमान बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई रोज़ा इफ्तार करे तो खजूर से करे क्योंकि इसमें बरकत है, और खजूर न पाए तो पानी से इफ्तार करें क्योंकि ये पाक है। नीज़ फरमाया, मस्कीन को सदका देना सिर्फ सदका है, लेकिन रिश्तेदार पर सदका 2 चीज़ें हैं, सदका भी है और सिला रहमी भी है। तो कोई ऐसे अजीज़ जो मुस्तहिक हों, उनका सबसे पहले जो है आप किसी भी हवाले से, ज़कात के हवाले से, किसी हवाले से ज़रूर ख्याल रखें। सफ़ेद पोश होते हैं, ज़िक्र नहीं करते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, ये आपका ख्याल है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप जो अपने क़ुर्ब जवार में हैं, अजीज़ व अक़रबा हैं, देखें अगर किसी को मदद की ज़रूरत है और खुदा रब्बुल करीम ने आपको इस्तात दी हुई है तो ज़रूर 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 उनकी मदद करें। इसी तरह से हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़ितर को फ़र्ज़ किया जो रोज़ेदारों की लुग़वियात और बेहूदा बातों से पाकी है और गरीबों की परवरिश के लिए है। जिसने नमाज ईद से पहले अदा किया तो ये मकबूल ज़कात है, और जिसे इसने नमाज ईद के बाद अदा किया तो ये दूसरे सदक़ात की तरह सदका होगी, तो सदका फ़ितर नहीं शुमार होगी अगर आप इसे ईद की नमाज से पहले अदा नहीं करते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सदका फ़ितर अभी तक आपने अदा नहीं किया तो इसे ज़रूर अदा करते। कुछ और हदीसें मुबारक हैं, मैं फिर इंशाल्लाह किसी प्रोग्राम में आपके लिए पेश करूँगा। इस वक्त हमारा सिलसिला क्विज़ विज़ का। अच्छा, ये क्विज़ विज़ का जो आज स्पेशल एक कॉन्टेस्ट है बिटवीन पैलेस्टाइन एंड गाज़ा की टीमों के दरमियान, और कंप्लीट तो महल कल होपफुली महल इसकी कंप्लीशन हो जाएगी, जो फाइनल सेमीफाइनल होंगे वो कल हो जाएंगे, लेकिन आज ये स्पेशल जो मैच है, ये कॉन्टेस्ट है, ये आपके लिए पेश कर रहे हैं। चंगरी साहब इसे तैयार करते हैं, टेक्निकल डायरेक्शन आपके लिए तलहा भट्टी देते हैं। आपको बताते हुए कि आज टोरंटो और इसके गुरुदनवाह में अफ्तार का वक्त 7:53 है। फिकर जाफरे के मुताबिक अफ्तार का वक्त 8:07 है। हमारी अफ्तार की नशियात के मेन स्पॉन्सर्स अल करम ज्वेलर्स हैं, आप ज़रूर उन्हें सपोर्ट कीजिएगा। और चलिए आपको ले चलेंगे आज के सिलसिले क्विज़ विज़ की तरफ। Warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to the Toronto 360 Ramadan Quiz Whiz. And today we have a special episode. So although Arif Uncle's not here with me, today I'm hosting, and we have two special teams, the Gaza Gahazis and the Palestine Panthers. And even though the Gaza Gahazis aren't in the semifinals, we just brought them back because we want to showcase the love that we have for our brothers and sisters in Palestine today. So let's kick it off with the Gaza Gahazis, as they're back, and I want to see how fresh they are after a long time. Computer, let's see the question. Your question is, what is the name of Jerusalem during Muslim rule? Our answer is Al-Quds. Al-Quds. Al-Quds is the correct answer. Very well done. So I see you're going really well. So now let's ask the other two the question. And your question is, why is Jerusalem an important place for Muslims? Jerusalem is an important place for Muslims because it was the first Qibla, and it was Bayt al-Maqdis is also the place that the Prophet, peace be upon him, went for the Isra and Mi'raj. Is that your final answer? Yep. That's correct. Jerusalem is one of the holy cities, Mecca, Medina, and Al-Quds. But what you said is also correct. It's where the Prophet ﷺ changed the Qibla. So now we see the Gaza Gahazis with their full 6 points, and now we'll move on to the Palestine Panthers. You guys have a lot of points to live up to, so let's see if you guys can do it. What is the significance of Jerusalem, Al-Quds, for Muslims? Marwan Eden. Your final answer. Yeah. Bayt al-Maqdis was the first Qibla, and Bayt al-Maqdis is where the Prophet Muhammad ﷺ went for Isra and Mi'raj. Isra and Mi'raj. So your question, Bayt al-Maqdis is the first Qibla of Muslim prayers, and Prophet Muhammad ﷺ visited Bayt al-Maqdis during Isra and Mi'raj. You checked all the boxes, and mashallah, the answer is correct. Now, the final question of the team round that goes to Miriam and Zainab to tie up the score for their team is, which prophet formed the first state in Jerusalem? Okay, so the prophet that formed the first state in Jerusalem is Prophet Dawood alayhi salam in 1000 BC. Prophet Dawood alayhi salatu salam first formed the state of Jerusalem in 1000 BC. That's the correct answer. So now I think we'll kick it back with the Gaza Gahazis, and we'll start from the left. And my first question is for Nuruddin. Nuruddin, your question is, why is Jerusalem significant for Christians? So the Christians believe that in Jerusalem, Prophet Isa alayhi salam was born, preached, and crucified. Yeah, he was born, preached, crucified, and rose from the dead. And rose from the dead, all in Jerusalem. So Bethlehem is the birthplace of Isa alayhi salam, Jesus, and he preached and crucified in Jerusalem. It is a major pilgrimage site for Christians. So what I find is that Jerusalem is a very, very important city, and for so many religions, for Judaism, for Islam, and for Christianity. Because this Prophet Isa alayhi salatu salam, he was the Messiah in Christianity, and they call him Jesus, but we call him Prophet Isa alayhi salam. So there's so much history, and there's so much power that we have to see in Jerusalem. So inshallah, there's a ceasefire, and that there are Palestinians people living in Palestine, and that they can see Palestine and they can see Jerusalem, and so that they can see Bayt al-Maqdis, inshallah, one day. So your next question is for Adam, and the question is, when did the Muslims first conquer Jerusalem? In 638 CE. 638 CE. During the Caliphate of Hazrat Umar radiallahu anhu in 638 CE, Jerusalem was conquered. So this is the correct answer, but this just shows the history of Jerusalem, because it's not just something that's been happening since October 14th. It's been happening for 75 years over, the oppression of Palestinian brothers and sisters. And it goes so far back that if you look in like 638 CE, there were Muslims in Palestine, and they were living there, and they were sharing the land, and they were occupying that land. Now the third question for the Gaza Gahazis is for Mu'min, and your question is, when did the Muslims first lose the control of Jerusalem? In 654 CE. 654 CE is the incorrect answer, unfortunately. Muslims actually first lost the control of Jerusalem in 1999 CE, when the Muslims and the Christian Crusaders ruled, and then they killed 70,000 Muslims and Jews when the Christian Crusaders invaded. So unfortunately that's the wrong answer, but hopefully you go away from this learning something. Now my last and final question for the Gaza Ghazis is for Ali, and your question is, how many Muslims were killed by the Israeli army since 1948? More than 80,000. More than 80,000. More than 80,000 Muslims were killed since the establishment of Israel. And when you look at it, it's been going on for 75 years. Our brothers and sisters have been suffering for 75 years, which is why now we have to call for a change. We have to call for a ceasefire. That's why we have to go out and protest, and we have to call for a change. Because without us, without one person or 1,000 people, nothing is going to change. Let's start off with Eden. Your question is, when did the Muslims take back Jerusalem? The Muslims took back Salahuddin Ayyubi took back Jerusalem in 1187 CE. That's the correct answer. Let's go. In 1187 CE, Salahuddin Ayyubi captured Jerusalem from the Christian Crusaders and took it back in Muslim name. Computer, let's get the question from Marwa. When did the Ottoman Empire lose control of Palestine and Jerusalem? They lost control of Palestine and Jerusalem in 1922. 1922. So unfortunately, that's not the correct answer. The actual answer is, after World War I, the Central Allies lost the war, and in November 1917, with the support of the Britain and the USA, the right of Jews to a home in Palestine was accepted through the Balfour Declaration. So now let's move on to Zainab, and your question is, computer, let's see. When did Jerusalem come into the rule of Israel? Jerusalem came to the rule of Israel in 1948. 1948? That's the correct answer. So Jerusalem has been under the control of Israel since 1948, and Muslims and Palestinians have been suffering there for over 75 years, which is why you see all of these Free Palestine and ceasefire declarations, because we need it to happen. There's been so much suffering that it needs to stop. So our final and last question for Miriam is, how many Muslims were killed in Palestine from October 7th, 2023 in recent conflict? Unfortunately, more than 20,000 Muslim women, children, and civilian men were killed in Palestine from October 7th in 2023. Unfortunately, more than 20,000 Muslim civilian men and women were killed. So, although you have the correct answer, I don't feel like it's very appropriate to clap, because this is a very serious matter, and 70,000 people have died in total. And since October 7th, less than a few months, 20,000 Muslim civilian men, women, and children who did nothing wrong were killed, and it's just not right. So to end this episode off, I would like to thank all the participants, because they're bringing awareness to the issue that has been going on for so long, and we have to end it. And now I would like to invite Uncle Arif Jangiri Saab to talk about the state of Palestine in Gaza. So Alhamdulillah, when I see a fascinating special match, and Ibrahim conduct very nicely this match, because this is a very special match we want to dedicate to our brothers and sisters who are suffering and seeing the persecution in the Palestine every day. Although one of the questions they mentioned that is more than 20,000, but till date there are more than 30,000 people already, children, women, and men are massacred in Palestine. So we can pray for them, and we can really, our heart are suffering. And definitely both the team did excellent awareness and excellent answer. Both the team have the 12 points each, Ibrahim. So they both did good, excellent, well preparation for the state of Jerusalem. And I want to say you did a great job, both team, because you are a special representative of this Ramzan Quiz 2024. Palestine Panthers and the Gaza Gahazis both are the special team for this year, and I want to clap both the teams, because both the team did excellent job. So inshallah we will come back again one of the final semi-final match of the Ramzan Quiz tomorrow. Me and Ibrahim come back, and until then, Assalamu alaikum. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। वज़ारत मज़हबी अमूर हुकूमत पाकिस्तान के अप्रूव और सर्टिफाइड हज कोटा होल्डर कारवाने सदीक अकबर प्राइवेट लिमिटेड अब पेश करते हैं 12, 17 और 20 दिन के मकतब ए और बी कैटेगरी के मुनासिब कीमत पर बेहतरीन हज पैकेजेस। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी जबरदस्त ऑफर। अब वो पाकिस्तान की बजाय कहीं से भी डायरेक्ट सऊदीया हज की अदायगी के लिए जा सकते हैं, और वो भी इंतहाई कम कीमत पर। बेहतरीन सहूलत, बेहतरीन रहनुमाई, कारवाने सदीक अकबर प्राइवेट लिमिटेड। मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान। करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम, हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी and flavored with passion. Millions worldwide face the challenges of cataracts. Your support enables Al Mustafa Canada to do more than just restore sight through our eye camps and hospital. It empowers individuals to reclaim their lives. With your generous donation of just $100, we will create enduring change, offering the gift of vision to those who struggle to see. Join us this Ramadan by illuminating lives as we go beyond compassion to create a lasting change for those struggling to see. Radio Pakistan Toronto. रेडियो पाकिस्तान टोरंटो की नशियात अब आप सुन सकेंगे चिन FM 100.7 पर हर शाम 7:30 से रात 10 बजे तक अपने होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी के साथ। आपकी आवाज, आपकी बातें, हमदोनात, न्यूज, टॉक शोज, आपकी मौसीकी आप ही के अंदाज में। अब आप सुनिए रेडियो पाकिस्तान टोरंटो की नशियात चिन FM 100.7 पर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड स्पॉन्सरशिप कॉल 416-300-5600। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो, आवाज का सफर दिल से दिल तक। Secondhand Canada is helping communities more than a decade. Here is our food bank, one of the most important aspects of our organization. We provide more than 125 hot meals per day to individuals who cannot afford it. We provide free clothing and household items to newcomers, refugees, and those in need. We believe every child deserves an education. This is why we started the free tutoring program from kindergarten to grade 8. Your generous donation will help us to reach many more to support for the food, shelters, and medical. Please donate generously. Visit our location. You can reach us by calling 905-624-0333. जो सुन नहीं सकते उनकी मेडिकल इस्लामिक नीड्स को पूरा कर रही है। दावत इस्लामी जो 80 से जायद शोबाजात में उम्मत की खिदमत कर रही है। आइए इस बार अपनी ज़कात दीजिए अपनी दावत इस्लामी को। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि नेकी के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और बुराई के काम में तावन न करें। और इसी नेकी के काम में आप लोगों के तावन से जामिया मुस्तफ़ा मिसिसागा मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर पिछले 20 साल से आपके इस तावन से चल रहा है। इसमें मजहबी प्रोग्राम्स होते हैं, एजुकेशन के प्रोग्राम होते हैं, वीमन लीग के प्रोग्राम होते हैं, सिस्टर लीग के प्रोग्राम होते हैं, यूथ के प्रोग्राम होते हैं, कुरान पाक की हिफ्ज़ की क्लास होती है, नाजदा की क्लास होती है, संडे स्कूल होता है, हमारा फूड बैंक है। पहले हमारे पास 35 के करीब ऐसी फैमिलीज थी जो हमारे यहाँ वीकली बेसिस पे फूड लेती थी, ग्रॉसरीज हासिल करती थी। अब इसकी तादाद बढ़कर 100 से जायद हो चुकी है। तो हमने $50 पर मंथ के हवाले से मुहिम शुरू की थी, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 280 के करीब हमारे डोनर हो चुके हैं और हमें 450 डोनर चाहिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज विजिट आवर वेबसाइट mmcc-canada.org। POB जहाँ बिला तफरीक और बिला मुआवजा लोगों की आँखों का इलाज किया जाता है। 3,50,000 से ज्यादा कामयाब ऑपरेशंस अपने सदकात, ज़कात और अतियात के साथ अंधेरों से लड़ते हैं, नूर फैलाते हैं। At Humanity, Ramadan begins with being thankful for the blessings we've received and giving with gratitude. In Pakistan, your Sakat provides struggling villagers with access to clean water. About 10,000 liters every day. It's a purified clean water. clean, accessible water ensures a healthy future for the children of Pakistan. In Gaza, your donation will provide relief to survivors of war. نشكر مؤسسة Humanity على تسليم الخير وخمس فرشات وخمس حرامات بارك الله فيك. With your zakat, you have the power to soothe their tears, to fill someone's heart with gratitude. This Ramadan, give with gratitude. दुआ तकदीर बदलने का फन जानती है, तो क्या ही अफजल हो कि किसी की दुआ ले ली जाए। अल खिदमत फाउंडेशन लाखों जरूरतमंदों की जिंदगियों में आसानी ला रहा है। ज़कात और अतियात देकर शामिल हो जाएं लाखों दुआओं में। A vision is a picture of future. In the heart of Pakistan, where half of the population are too poor to afford healthcare, they are calling out to Allah. They are calling for someone to heal them. From primary care to cancer treatment, Indus Hospital will treat millions on your behalf. And crucially, Indus Hospital and Health Network provides all of these services free of charge. Don't delay this Ramzan. Give from what He has given you. This Ramadan, let's act. Let's unite to heal. Donate your zakat today. जिंदगी में आगे बढ़ते रहना ही कामयाबी है और कनाडा में कामयाबी शुरू होती है अपने घर से। तो अगर आप घर खरीदना या बेचना चाहते हैं तो चुनिए सिर्फ ऑनेस्ट, एक्सपीरियंस्ड एंड डेडिकेटेड रियल एस्टेट प्रोफेशनल को लाइक मोहम्मद कमालुद्दीन। रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट्स और प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के डाइवर्स एक्सपीरियंस के साथ एक्सपेक्ट नो सरप्राइजेस, जस्ट ऑनेस्ट कस्टमर सर्विसेज फ्रॉम मोहम्मद कमालुद्दीन। So call now at 416-890-2501. Oriental Costume. Hey Ontario, are you paying too much for the wrong insurance coverage? The Big Pickering has access to over 30 insurance providers. Our team of over 50 insurance brokers will work with you to find the lowest price for your home, auto, life, and business insurance without compromising on coverage. Big Pickering is an award-winning brokerage thanks to our hassle-free claims experience. So visit thebigpickering.ca or call 416-639-6100 to join the thousands of Canadians who trust Big and start saving on insurance. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। गर्दनवाह में इफ्तार का वक्त है। स्पीकर जाफर के मुताबिक आज इफ्तार का वक्त 8:07 है, थोड़ा सा वक्त है और हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की हालत ज़िंदगी आज इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। अच्छा, इफ्तार के वक्त में बैक होम में तो मुझे अच्छी तरह याद है कि सबसे ज़्यादा रश जो हुआ करता था ना, वो समोसों और पकौड़ों वाली दुकान पर हुआ करता था। रश, मोटरसाइकिल ज़्यादा चलती थी, दूर तक सड़क तक ब्लॉक हो जाती थी। अच्छा, मैंने यहाँ भी देखा कि जो मुख्तलिफ मतलब स्वीट्स की दुकानें हैं, इवन राहत बेकरी हमारी है, रश लगा होता है वहाँ पर और कमाल की ज़ाहिर है लोगों को शौक़, पता नहीं क्यों, हालांकि मतलब तली हुई चीज़ें हैं, लेकिन एक ये एक ज़रूरी मतलब अफ्तार की एक लाजमी जो है वो इंग्रेडिएंट बन गया है कि आपने समोसे, कचौरियाँ, पकोड़े, रोल्स और इस किस्म की चीज़ें हैं। मतलब वो शायद साल में यही एक मौका होता है जिसमें ये चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं, तो मेरे ख्याल में अच्छा भी लगता है। और उसके बाद फिर सारा साल तो कम कम जो है ये चीज़ें होती हैं। तो अचानक मेरे जहन में ख्याल आ गया था, मैंने कहा मैं प्रोग्राम में इससे पहले आपका इसके वैसे जिक्र इसका कर लूँ। अच्छा जनाब, हम अब हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के जो हालात ज़िंदगी उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। अब चूंटियों के हवाले से बात की कि चूंटियों की मलका या बादशाह ने कहा कि हट जाओ कि हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जा रहा है, कहीं रो ना दे। और फिर हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने बात सुनी और फिर वो इस बात पे हंसे भी और यकीन उन्होंने इस बात पे दाद दी कि किस तरह से अपने लश्कर को जो है वो या अपनी चूंटियाँ जो हैं सरदार किस तरह से उनको जो है हिदायत देते हैं। मुफस्सरीन ने हुक्म देने वाली चूंटी को चूंटियों का सरदार और बादशाह कहा, और ये सिर्फ इसलिए कि कदीम और जदीद अकलाए ज़माना का ये इस बात पर इतफ़ाक़ है हैवानात में शहद की मक्खियों और चूंटियों का इस कदर बेहतरीन निज़ाम है कि इनको निज़ाम हुकूमत कहना मुबालगा जो है नहीं कहा जाता, बिल्कुल निज़ाम हुकूमत की तरह वो काम करते हैं। इस वाक़े के ज़िक्र से कुरान हकीम का मकसद यह है कि जब आयात 12 से कबल इसने ये बयान किया कि हज़रत दाऊद और हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्म मंतक और तीर अता फरमाया, तो उसने मुनासिब समझा कि एक दो वाक़यात इस सिलसिले के भी बयान कर दिए जाएँ जिससे मुखातिब को इस किस्म का कोई तरद्दुद या शक जो है लोगों के जहन में वाक़ई ना रह जाए। कुरान मजीद ने इसी सूरह नमल में एक और खूबसूरत वाक़या हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम और मलका सबा का कदर तफसील से जो है वो बयान किया है, जो अपने तफसीली और जुज़ई वाक़यात के लिहाज से बहुत ही इस तरह से मुनफरद है कि इसके नताइज बसार के पेश नज़र बहुत ही अहम और तारीख़ी अहमियत का यहाँ हामिल है। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के अजीम शान और बेमिसाल दरबार में इंसानों के अलावा जिन और हैवानात भी हाजिर रहते। एक मरतबा दरबार सलमानी में अपने पूरे जाहो जिस्म के साथ मुनाक़िद था। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने जायज़ा लिया तो उनको हुदहुद जो है वो नज़र नहीं आया, उसे गैर हाजिर पाया। इरशाद फरमाया कि मैं हुदहुद को मौजूद नहीं पाता और इसकी ये बेवजह गैर हाज़िरी काबिल सज़ा है, इसीलिए या तो उसको सज़ा दी जाएगी या इसको ज़िबा कर दिया जाएगा या फिर अपनी गैर हाज़िरी की वो माकूल वजह बयान करे। इसी दौरान हुदहुद जो है वो दरबार में हाजिर हो गया और हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की बात पर उससे कहना कि मैं आपको एक ऐसी यकीनी इत्तला लाया हूँ जिसकी खबर आपको पहले नहीं है शायद, वो ये कि यमन के इलाके में सबा एक मलका रहती है और खुदा ने इसको सब कुछ दे रखा है और इसका तख्त सल्तनत अपनी ख़ास खूबियों के साथ अजीम शान है। मलका और उसकी कौम आफ्ताब परस्त है, शैतान ने उनको गुमराह कर रखा है और खालिक के कायनात परवरदिगार आलम वहदत शरीक की इबादत नहीं करते हैं। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि तेरे सच झूठ का अभी इम्तिहान हो जाता है, तो मेरा ख़त ले जा और उन तक पहुँचा दे और वहाँ इंतज़ार कर कि उसके मतलब वो क्या गुफ्तगू करते हैं। हुदहुद ने ख़त ले जाकर मलका की गोद में डाल दिया। मलका ने ख़त पढ़कर अपने दरबारियों से कहा कि अभी मेरे पास एक मोअज़्ज़ज़ मकतूब आया है जिसमें यह तहरीर है, ये ख़त सलमान की जानिब से और अल्लाह के नाम से शुरू है जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। तुमको हम सरकशी और सरबुलंदी का इजहार नहीं करना चाहिए, तुमको हम पर सरकशी और सरबुलंदी का इजहार नहीं करना चाहिए और तुम मेरे पास खुदा के फरमा बरदार मुस्लिम होकर आओ। ख़त पढ़ चुकने के बाद मलका ने कहा कि अहले दरबार और अरकान हुकूमत, तुम जानते हो कि अहम मामलों में तुम्हारे मशवरे के बगैर मैं कोई भी कदम नहीं उठाती, इसलिए मुझे मशवरा दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। अरकान दौलत ने कहा कि जहाँ तक मरूब होने का ताल्लुक है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम भी ज़बरदस्त ताकत और जंगी क़ुव्वत के मालिक हैं, मगर फ़ैसला आपके हाथ में है, जो मुनासिब हुक्म करें। मलका ने कहा बेशक हम ताकतवर कौम हैं, साहिब शौकत हैं, लेकिन सलमान अलैहिस्सलाम के मामले में हमको गफलत नहीं करनी चाहिए, पहले हमको उनकी सल्तनत जंगी ताकत का अंदाज़ा कर लेना ज़रूरी है क्योंकि जिस अजीब व गरीब तरीके से ख़त हम तक पहुँचा है इसका तकाजा है कि सोच समझ कर कोई कदम उठाना चाहिए। इसलिए मेरा इरादा है कि चंद कासिद रवाना करूँ, वो सलमान के लिए उम्दा और बेश बहा तहफ़ लेकर जाएँ, इस बहाने से उनकी शान शौकत और अज़मत का अंदाज़ा भी हो जाएगा। अगर वो वाकई बहुत ताकतवर हैं और ज़बरदस्त क़ुव्वत के मालिक हैं तो फिर तो जंग करना फजूल है, इसीलिए साहिब ताकत बादशाहों का ये दस्तूर है जब वो किसी बस्ती में फातहाना गलबे के साथ दाखिल होते हैं तो फिर इस बस्ती को बर्बाद कर देते हैं, शहरियों को ज़लील ख़ार कर देते हैं, इसलिए ऐसी बर्बादी मोल लेना कोई अच्छा फ़ैसला नहीं होगा। मलका सबा के कासिद तहफ़ लेकर हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने सफ़ीरों को फरमाया कि तुमने और तुम्हारी मलका ने मेरे पैगाम का मकसूद गलत समझा है। क्या तुम अपनी हिदायत के ज़रिए मुझे फसलाते हो, हालांकि तुम देख रहे हो कि अल्लाह ताला ने जो कुछ मुझे अता फरमाया है इसके मुकाबले में ये जो बेशबहा जो तहफ़ हैं या कोई चीज़ है, इनकी कतई कोई वक़्त नहीं है। और तुम अपना हदिया वापस ले जाओ और मलका से कहो कि अगर इसने मेरे पैगाम की तामील नहीं की तो मैं ऐसे अजीमुशान लश्कर के साथ सबावारों तक पहुँचूँगा कि तुम इसकी मदाफ़त और मुकाबले की ताब ना ला सकोगे और ज़लील व ख़ार कर दिए जाओगे। कासिदों ने वापस जाकर मलका सबा को तमाम रोयदा सुनाई और हज़रत सलमान इस्लाम की हुकूमत का जो मुशाहिदा किया वो भी उनको कहकर सुना दिया और ये भी बताया कि उनकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ही नहीं है बल्कि जिन और हैवानात पर भी हज़रत सलमान इस्लाम की हुकूमत है और सभी उनके ताबे और मसखर हैं। यह राय सुनकर मलका और अहले दरबार ने फैसला किया कि हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के साथ लड़ना अपनी हलाकत को दावत देना है, बेहतर है कि इनकी दावत पर लब्बैक कहा जाए। सलमान अलैहिस्सलाम के मकतूब में ये जुमला भी था कि मेरे पास मुस्लिम होकर आओ। मलका चूँकि आपके दीन से नावाकिफ़ थी लिहाजा इसने इस लफ्ज़ मुस्लिम के लोगों भी माने ये समझे कि जबर बादशाहों की तरह सलमान का मकसद यह है कि मैं शिकस्त मानकर फर्मा बरदार होकर इनके मातहत हो जाना कबूल कर लूँ। लिहाजा सलमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होने के लिए सफ़र पर रवाना हो गई। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए मालूम हो गया कि मलका सबा आ रही हैं, हाजिर हो रही हैं। आपने अपने दरबारियों को खिताब फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि मलका के यहाँ पहुँचने से पहले इसका तख्त शाही वहाँ से उठाकर यहाँ लाया जाए और तुम में से कौन इसकी खिदमत ये खिदमत अंजाम दे सकता है। एक द्योपैकर जिन ने कहा कि मैं आपके दरबार को बर्खास्त होने से पहले ये तख्त यहाँ ला सकता हूँ, मुझको ये ताकत हासिल है और मैं अमीन भी हूँ, हरगिज़ ख़यानत नहीं करूँगा। इस जिन का दावा सुनकर आपके अहले दरबार में से किताब का इल्म जानने वालों ने कहा कि मैं आपकी आँख झपकने से पहले ही इसे ले आता हूँ। फिर जब हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने रुख फेर कर देखा तो मलका सबा के तख्त को वहाँ मौजूद पाया। फरमाने लगे ये मेरे परवरदिगार का फजल व करम है, वो मुझको आजमाता है कि मैं शुक्रगुजार बनता हूँ या नाफरमान, और हकीकत तो ये है जो शख्स इसका शुक्रगुजार होता है दरअसल अपनी ज़ात को ही नफ़ा पहुँचाता है और जो नाफरमानी करता है तो खुदा उसकी नाफरमानी से बेपरवाह है और इसका वबाल नाफरमानी करने वाले पे ही पड़ता है। शुक्र अदा करने के बाद आपने तख्त की हैत कुछ तब्दील करने का हुक्म दिया कि इसे देखकर मलका हकीकत की तरफ राह पाती है या नहीं। जब मलका सबा हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुई, आपकी खिदमत में हाजिर हुई, तो उससे पूछा गया कि तेरा तख्त ऐसा है? अक्लमंद मलका ने जवाब दिया गोया वही है, चूँकि इसमें कदर तब्दीली हुई है जो मेरे यकीन में तरद्दुद पैदा कर रही है। मलका सबा ने कहा कि मुझको आपकी बेनज़ीर क़ुव्वत व ताकत का पहले से ही हाल मालूम हो चुका है, इसलिए मती और फरमाबरदार होकर हाजिर होएगी हूँ। अब तख्त के यहाँ लाने का महिरुलकूल मामला और आपकी लासानी हुकूमत का ताज़ा मुजाहरा भी मैंने देख लिया है, इसलिए मैं एक बार फिर आपके इताअत और फरमाबरदारी कबूल करती हूँ। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने एक शीश महल तैयार करा रखा था। मलका सबा को इस शीश महल में क़याम करने को कहा। मलका जब महल के सहन से गुजरने के लिए दाखिल हुई तो इसमें बहता हुआ शफाफ पानी पाया। ये देखकर मलका ने पानी में उतरने के लिए कपड़ों को पिंडली तक ऊपर चढ़ाना चाहा तो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसकी ज़रूरत नहीं, ये पानी नहीं, ये फ़र्श चमकते हुए शीशे का है। मलका ने अब समझा कि इस वक्त जो होता रहा वो एक ज़बरदस्त बादशाह की काहराना ताकतों का मज़ाहरा नहीं बल्कि मुझ पर यह वाजह करना मकसूद है कि ये सब मौजज़ाना कुदरत किसी ऐसी हस्ती की अता करता है जो कुल कायनात का तन्हा मालिक है और मुझे इस हस्ती के अतात और फर्मा बदारी की दावत देना मकसद है। इस ख्याल के आते ही मलका हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के सामने अपने साबिका अकीदा कुफ्र को तर्क करते हुए खुदाए वाहिद पर ईमान ले आई और दीन इस्लाम इख्तियार कर लिया और हकूमत सबा को भी हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के ज़ेर फरमान कर दिया, जिसका बानी अब्दुशम्सा और सबा का लकब जदीद मौरखिन की तहकीक है और तौरात के बयान है कि अब्दुशम्स का नाम ही सबा था। ये शख्स बहुत जर्री और साहिब हिम्मत था और ज़बरदस्त फतूहात के ज़रिए इसने हुकूमत सबा की बुनियादें जो हैं वो डाली थी। तो ये वाक़या यहीं कंप्लीट हुआ और इसके बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात में कोशिश ये होगी कि मुख्तसरन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात जो हैं वो कल ही इंशाअल्लाह ताला जो हम शुरू कर देंगे, क्योंकि वक्त बिल्कुल अफ्तार का करीब आ गया है। सब मिलकर दुआ करेंगे। रोज़ा खोलने की नीयत और अज़ान मग़रिब आपके लिए पेश की जाएगी। आपको ये बताते हुए कि हमारी इफ्तार की नशात के मेन स्पॉन्सर अल करम ज्वेलर्स हैं और रेडियो पाकिस्तान टोरंटो की नशात आप चिन FM 100.7 पर शाम 7:30 से रात 10 बजे तक सुन सकते हैं। तो आइए सब मिलकर दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह हमारी इबादत, रोज़ों, नमाज़ों, तरावी, कलाम पाक की तिलावत और नेक अमाल को इस माह मुक़द्दस के सदक़े अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमा। या रब करीम हम पर करम कर दे, हम पर अपना रहम कर दे। या रब करीम हमें अपने हिफ्ज़ अमान में रखना। या अल्लाह तो मालिक है, खालिक है, राज़िक है, हर मुश्किल वक्त में हमारी रहनुमाई फरमा। या रब करीम हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ करते हुए हमें सीधी राह पर चला। हम तेरे आजिज़ बंदे बनना चाहते हैं। या रब करीम हमारी इस्लाह फरमा, हम पर अपना रहम कर दे। या रब करीम हम पर अपना करम कर दे, हमें नमाज पंजगाना कायम करने की तौफीक अता फरमा। या रब करीम हमें मांगना नहीं आता, हमारी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा ले। या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल आजिला अता फरमा, जो बेरोज़गार हैं उन्हें अपने फजल व करम से बेहतर रोज़गार अता फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद साले अता फरमा। या रब करीम जो परेशान हैं, नाउमीद हैं, उनकी परेशानियों को दूर करते हुए इन्हें सुकून अता फरमा। या अल्लाह जो तेरे नेक बंदे मुश्किल में हैं, मुसीबत में हैं, सफ़ेद पोश हैं, किसी से अपने दुख का इजहार नहीं कर सकते, या रब करीम उनकी गैब से मदद फरमा। या रब करीम उनके लिए अपनी रहमतों, बरकतों और आसाइशों के दरवाजे खोल दे। या अल्लाह आजकल बहुत से वालिदैन अपने बच्चे बच्चियों के रिश्तों की वजह से परेशान हैं, अपनी औलाद की वजह से परेशान हैं, या रब करीम उनके लिए आसानियाँ और राहतें अता फरमा। या रब करीम हमारी औलाद को नेक और माँ बाप का फर्मा बरदार बना दे, उन्हें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। या रब करीम उनकी हिफाजत फरमा, उन्हें उस रास्ते पर चला जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। या अल्लाह उन्हें हमारी आंखों की ठंडक बना। या रब करीम जो हमारे प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं, या अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद कर दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात को दूर फरमा दे, वहाँ भाईचारे की फ़िज़ा हो, माशी और सियासी इस्तेहकाम हो, अमन और खुशहाली कायम हो, वहाँ से अच्छी खबरें हमें सुनने को मिले, वहाँ हर तरफ खैर ही खैर हो। या अल्लाह यहाँ कनाडा में अमन और खुशहाली को बरकरार रख। दुनिया भर में जहाँ जहाँ जुल्म और ज़्यादती हो रही है, या अल्लाह मज़लूमों की मदद फरमा। या रब करीम अपने करम और फजल से, अपनी रहमत से हमारे गुनाहों को बख्श दे। या रब करीम हमें ऐसी इज़्ज़त दे जो खल की मोहताज ना हो, ऐसा रिज्क दे जो असबाब का मोहताज ना हो, ऐसा ईमान दे जिसमें आजमाइश ना हो। या अल्लाह हमारे दिलों से नफरतों और कदूरतों को दूर कर दे, हमारे दिलों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी मोहब्बत को भर दे। या अल्लाह हमें बुरे वक्त, बुरी नज़र से बचा, हासिदों के हसद से बचा। या अल्लाह हमें किसी का मोहताज न करना, बस अपना मोहताज बनाए रखना। या रब करीम रमज़ान मुबारक का तीसरा अशरा हमारे दरमियान मौजूद है, और उसमें एक रात ऐसी रात है जिसकी इबादत हज़ार महीनों की इबादत से बेहतर है। या रब करीम हमें लैलतुल कदर पाने की तौफीक अता फरमा। या रब करीम रमज़ान मुबारक का तीसरा अशरा जहन्नुम की आग से निजात का अशरा है। या अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे। अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार। या रब करीम हमें मांगना नहीं आता, या अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे। या रब करीम हम पर रहम कर दे। या रब करीम हम पर करम कर दे। या अल्लाह हमारी टूटी फूटी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। आमीन सुम आमीन। टोरंटो और इसके गिरदनवा में अफ्तार और मगरिब के आज़ान का वक्त हो गया है। दूसरे इलाकों के रहने वाले अपने मकामी निज़ाम औक़ात के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करें और मगरिब की नमाज अदा करें। मगरिब अजान क्लॉक के लिए हमें तामुन देते हैं अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लाटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। रमजान मुबारक में तमाम डायमंड ज्वेलरी पर 50% ऑफ। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 905-828-0009। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु وعلى رزقك أفطرت। اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر ہی بھروسہ کیا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ اللہ اکبر अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आज 27वां रोज़ा भी कम्प्लीट हो गया, बस चंद ही रोज़े बाकी रह गए हैं। अल्लाह बकरीम से दुआ है, खुदा रब करीम हमारी नमाज़ों को, रोज़ों को, कुरान पाक की तिलावत को, तरावी को, नेक अमाल को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, आमीन सुम आमीन। चंद ही दिन, अब तो गिनती के दिन बाकी हैं। अल्लाह रब करीम से दुआ है खुदा रब करीम मज़ीद हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। एक रिक्वेस्ट वही जो रोज़ाना किया करता हूँ, जब दुआ के लिए हाथ उठाएँ मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। हमदोनात का सिलसिला ज़ालिकल किताब और उसके बाद कुरान पाक की तिलावत तर्जमे के साथ आपके लिए पेश की जाती है और ये सिलसिला हमारा पूरे रमज़ान मुबारक तक जारी रहेगा। आपसे चाहेंगे इजाज़त, दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, बल हौसला भी खोने की चीज़ है। एंड ऑलवेज़ फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़ बशर्ते ज़िंदगी। इंशाअल्लाह सहरी की ख़ास नशात में आपसे फिर मुलाकात होगी। स्टूडियो इंजीनियर तला भट्टी अपने मेज़बान अरशद भट्टी को दीजिए। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। अल्लाह मियाँ, अब्बू के जाने के बाद जिनकी वजह से स्कूल जा रही हूँ उनका ख्याल रखिएगा। तन्हा होने के बावजूद भी अकेला नहीं हूँ, आगोश मेरे लिए मेरा वाहिद घर है। दुआ तकदीर बदलने का फन जानती है, तो क्या ही अफजल हो कि किसी की दुआ ले ली जाए। अल खिदमत निभा रहा है हजारों यतीम बच्चों की जिम्मेदारियां। आप भी ज़कात और एहतियात देकर शामिल हो जाएं मासूम दुआओं में। जिंदगी में आगे बढ़ते रहना ही कामयाबी है और कनाडा में कामयाबी शुरू होती है अपने घर से। तो अगर आप घर खरीदना या बेचना चाहते हैं तो चुनिए सिर्फ ऑनेस्ट, एक्सपीरियंस्ड एंड डेडिकेटेड रियल एस्टेट प्रोफेशनल को, लाइक मोहम्मद कमालुद्दीन। रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट्स और प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के डाइवर्स एक्सपीरियंस के साथ एक्सपेक्ट नो सरप्राइजेस, जस्ट ऑनेस्ट कस्टमर सर्विसेज फ्रॉम मोहम्मद कमालुद्दीन। सो कॉल नाउ एट 416-890-2501। Hey Ontario, are you paying too much for the wrong insurance coverage? The Big Pickering has access to over 30 insurance providers. Our team of over 50 insurance brokers will work with you to find the lowest price for your home, auto, life, and business insurance without compromising on coverage. Big Pickering is an award-winning brokerage thanks to our hassle-free claims experience. So visit thebigpickering.ca or call 416-639-6100 to join the thousands of Canadians who trust Big and start saving on insurance. यकीन भरोसे से बढ़कर, ज़कात अमानत से बढ़कर, ताल्लुक रिश्ते से बढ़कर, क्योंकि इंडस अस्पताल से बढ़कर। अपनी ज़कात दीजिए पहले से बढ़कर। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो, रेडियो पाकिस्तान टोरंटो की नशियात अब आप सुन सकेंगे चिन FM 100.7 पर हर शाम 7:30 से रात 10 बजे तक अपने होस्ट दोस्त अरशद भट्टी के साथ। आपकी आवाज, आपकी बातें, हमदोनात, न्यूज, टॉक शोज, आपकी मौसीकी आप ही के अंदाज में। अब आप सुनिए रेडियो पाकिस्तान टोरंटो की नशियात चिन FM 100.7 पर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड स्पॉन्सरशिप कॉल 416-300-5600। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो, आवाज का सफर दिल से दिल तक। Millions worldwide face the challenges of cataracts. Your support enables Al Mustafa Canada to do more than just restore sight through our eye camps and hospital. It empowers individuals to reclaim their lives. With your generous donation of just $100, we will create enduring change, offering the gift of vision to those who struggle to see. Join us this Ramadan by illuminating lives as we go beyond compassion to create a lasting change for those struggling to see. A vision is a picture of future. Consider Bismillahirrahmanirrahim. Respected brothers and sisters, we are now here inside Gaza between the rubbles and destructions. Behind me, as you see, complete destructions of the buildings and homes inside Gaza Strip. There are at least 1 million IDPs inside Gaza Strip, and the humanitarian situation is going worse for millions of the people who are living here in this land. Alhamdulillah, Iqra Khalid is on the ground here in Gaza providing emergency response to help their brothers and sisters in where situation is going very worse. This is the worst disaster for the Palestinians since 1967. We have at least 20,000 apartments and buildings have been destroyed completely due to the attack and ongoing airstrikes on Gaza Strip. We hope from you, brothers and sisters, to continue your fund, to continue your aid so that, inshallah, we can reach to the thousands of IDPs so that can help your brothers and sisters in Gaza. All thanks for our donors. May Allah subhanahu wa ta'ala accept all your donation. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Introducing contemporary traditional style freehold townhomes that are designed for potential multi-residential units. Conveniently located in serene and lush town of Beaverton, Ontario. New Highway 404 extension, walking distance to the beach, designated fishing area, excellent positive cash flow potential through Airbnb. Live at a home that pays for itself. Limited offer with our exclusive deposit structure of $2,000 per month. Don't wait. Serene lakeside community, Beaver on the Lake awaits you. मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान। करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम, हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी एंड फ्लेवर्ड विद पैशन। A criminal charge can be an ugly and nasty surprise. Don't let bad decisions or unfortunate circumstances take control of your life. The criminal lawyers at Alam Law Chambers will listen to your story and develop the best defense for you. Nothing in life is more important than your freedom. Reliable and affordable, Alam Law. At Humanity, Ramadan begins with being thankful for the blessings we've received and giving with gratitude. In Pakistan, your Sakat provides struggling villagers with access to clean water. 10,000 liters every day. Every day? It's a purified clean water clean, accessible water ensures a healthy future for the children of Pakistan. In Gaza, your donation will provide relief to survivors of war. نشكر مؤسسة Humanity على تسليم الخيل وخمس فرشات وخمس حرامات بارك الله فيك. With your zakat, you have the power to soothe their tears, to fill someone's heart with gratitude. This Ramadan, give with gratitude. Hello, Assalamu Alaikum. This is Iqra Khalid, your Member of Parliament in Mississauga, Erin Mills, wishing all Muslims that are commemorating a very blessed month of Ramadan. Ramadan Mubarak to each and every one of you. During the month of Ramadan, we break bread together, we practice the teachings of our religion, of charity, of faith, of discipline, of coming together and helping those that are less fortunate. During this month of Ramadan, I hope that we will come together and pray for those that are suffering from across the world, especially our brothers and sisters in Palestine. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the hidayah to do more for our brothers and sisters across the world. To each and every one of you, from my family to yours, Ramadan Mubarak. Are you ready, Toronto? Moshek and Shiraz Hussain in association with Realink Law present Pakistan's biggest rock band, Junoon, live in Toronto. Featuring Ali Azman, Salman Ahmad, Brian O'Connell. On Saturday, May 4th at CAA Centre. Tickets available at ticketmaster.ca. Call Moshek or Shiraz Hussain. राहत बेकर्स एंड स्वीट्स 1950 से आपके हसीन लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स। रमजान मुबारक में अफ्तार के लिए समोसे, कचौरियाँ, चिकन पैटीज, चिकन ब्रेड और बहुत कुछ। वही ऑथेंटिक जायका और क्वालिटी पाकिस्तान से अब आपके शहरों मिसिसागा और एजेक्स में, कुछ मीठा कुछ नमकीन। आज ही इनकी किसी भी लोकेशन को विजिट कीजिए। 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट मिसिसागा, 5955 लेटरमैन ड्राइव मिसिसागा और 1 रोजलैंड रोड वेस्ट एजेक्स, या लॉग इन हो rahatbakers.ca। जिनकी आंखें नहीं, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, उनकी मेडिकल इस्लामिक नीड्स को पूरा कर रही है दावत इस्लामी, जो 80 से जायद शोबाजात में उम्मत की खिदमत कर रही है। आइए इस बार अपनी ज़कात दीजिए अपनी दावत इस्लामी को। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। वज़ारत मज़हबी अमूर हुकूमत पाकिस्तान के अप्रूव और सर्टिफाइड हज कोटा होल्डर कारवाने सदीक अकबर प्राइवेट लिमिटेड अब पेश करते हैं 12, 17 और 20 दिन के मकतब ए और बी कैटेगरी के मुनासिब कीमत पर बेहतरीन हज पैकेजेस। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी जबरदस्त ऑफर। अब वो पाकिस्तान की बजाय कहीं से भी डायरेक्ट सऊदीया हज की अदायगी के लिए जा सकते हैं, और वो भी इंतहाई कम कीमत पर। बेहतरीन सहूलत, बेहतरीन रहनुमाई, कारवाने सदीक अकबर प्राइवेट लिमिटेड। Secondhand Canada is helping communities more than a decade. Here is our food bank, one of the most important aspects of our organization. We provide more than 125 hot meals per day to individuals who cannot afford it. We provide free clothing and household items to newcomers, refugees, and those in need. We believe every child deserves an education. This is why we started the free tutoring program from kindergarten to grade 8. Your generous donation will help us to reach many more to support for the food, shelters, and medical. Please donate generously. Visit our location. You can reach us by calling 905-624-0333. अलमदा अलवदा माहे रमज़ान कल्बे आशिक हुआ पारा पारा अलवदा अलवदा माहे रमज़ान उल्फते ने मारा अलविदा अलविदा माहे रमज़ान अलविदा 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 है माहे रमज़ान तू हमसे जुदा मस्जिदों में बहार आ गई थी मस्जिदों में बहार आ गई थी चौक के चौक आते नमाजी झूम कर आते नमाजी हो गया कम नमाजों का जज्बा अलविदा अलविदा माहे रमज़ान बज़्म में इफ्तार सजती थी कैसी बज़्म में इफ्तार सजती थी कैसी खूब सहरी की रौनक भी होती सब समा हो गया सूना सूना अलविदा अलविदा माहे रमज़ान अलविदा अलविदा माहे रमज़ान अलविदा अलविदा माहे रमज़ान तेरे दीवाने अब रो रहे हैं तेरे दीवाने अब रो रहे हैं मुज़तरिब सब के सब हो रहे हैं हाय अब वक्त रुखसत है आया अलविदा अलविदा माहे रमज़ान हाय अब वक्त रुखसत है आया अलविदा अलविदा माहे रमज़ान कौन देगा इन्हें अब दिलासा तुम पे लाखों सलाम माहे इक़रा, जाओ हाफिज खुदा अब तुम्हारा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। जब गुजर जाएंगे माह प्यारा, जब गुजर जाएंगे माह ग्यारा, तेरी आमद का फिर शोर होगा। क्या मेरी जिंदगी का भरोसा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। माहे रमज़ान की रंगी हवा, माहे रमज़ान की रंगी हवा, अब्रे रहमत से ममनू फ़ज़ाओ, लो सलाम आखिरी अब हमारा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। अलविदा 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 है माहे रमज़ान, तू हमसे जुदा है, कल्बे आशिक हुआ पारा पारा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। Radio Pakistan Toronto, रेडियो पाकिस्तान टोरंटो की नशियात अब आप सुन सकेंगे चिन FM 100.7 पर हर शाम 7:30 से रात 10 बजे तक अपने होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी के साथ। आपकी आवाज, आपकी बातें, हमदोनात, न्यूज, टॉक शोज, आपकी मौसीकी आप ही के अंदाज में। अब आप सुनिए रेडियो पाकिस्तान टोरंटो की नशियात चिन FM 100.7 पर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड स्पॉन्सरशिप कॉल 4163005600। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो, आवाज का सफर दिल से दिल तक। ज़कात किसको दें? दावत इस्लामी जो लाखों बच्चों को फ्री दीनी तालीम दे रही है, करोड़ों मुसलमानों की फलाही इमदाद भी कर रही है, थैलेसीमिया के मरीज बच्चों को ब्लड भी दिया जा रहा है, यतीम बच्चों की किफालत का इंतजाम भी है, क्यों ना दे ज़कात अपनी दावत इस्लामी को। Thinking of buying, selling or investing in real estate, whether it be residential, commercial or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. Did you know that staging your home can result in more than 7% return over the list price? Welcome to Sparrenes Home Staging and Interior Design, where we transform your houses into dream homes. Our experts meticulously select each element to bring spaces to life, helping buyers envision their future and creating that emotional connection. We have our own transportation and logistical arrangements. No waiting on outside vendors. We ensure a quick turnaround to complete any project efficiently. Let us bring your space to life and help you achieve top dollars for your home, because it's not just about selling a property, it's about creating a future. Ramadan Kareem to all of my brothers and sisters. I wish you many blessings this year. I hope that your prayers come true and that you have a wonderful time with your family, friends, and with the community. Once again, happy Ramadan. Events mark successes in our lives. Come and host your next event at Galaxy Grand Convention Center, Brampton, close to Mississauga, Milton and Oakville, with extensive parking spaces, more than 23,000 square feet of space, with capacity of up to 1,100 guests. Galaxy Grand Convention Center, where every guest is a star. Book your event today. Call 905-458-9888 or visit galaxygrand.ca. If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection. Winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala ibadihi allazina istafa amma ba'du fa'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا. اللهم ربنا زدنا إيمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا. اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا فإنك خير المتقبلين. آمین یا رب العالمین. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید کا 28واں پارہ قد سمع اللہ کے الفاظ سے شروع ہوتا ہے اور یہ پارہ اسی نام سے موسوم ہے. اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ 9 صورتیں ہیں جن کا ہم مختصراً مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ تمام کی تمام صورتیں مدنی صورتیں ہیں. اور اگر ہم جو پچھلے پارے میں ہم نے سورہ حدید پڑھی تھی اگر ہم اس کو بھی شامل کر لیں تو یہ 10 صورتوں کا ایک نہایت ہی حسین گلدستہ ہے مدنی صورتوں کا کہ اس پارے کے اندر شامل کیا گیا ہے. اور خاص طور پر اس پارے کے اندر جو تمام کا تمام خطاب ہے وہ امت مسلمہ کے ساتھ ہے. یعنی ہم مسلمانوں کو اس تمام حصے کے اندر گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نہ اہل کتاب سے کوئی خطاب فرمایا ہے نہ اہل جو مشرکین تھے ان کے ساتھ. یہود کا ان تمام صورتوں کے اندر صرف عبرت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ تمام کا تمام خطاب جو ہے وہ امت مسلمہ سے بحیثیت امت کہ اب مسلمانوں کو کیا کرنا ہے ان کے بارے میں تمام اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں. سب سے پہلے سورہ مجادلہ اس پارے کے اندر آ رہی ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آغاز میں جو ایک وہ جاہلیت کے اندر ایک غلط قسم کی جو روش پیدا ہو گئی تھی کہ وہاں پہ لوگ جو تھے وہ اپنی بیوی خاص طور پہ اپنی بیویوں کو اپنی ماؤں کی طرف گویا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہماری بیویاں ہیں ہماری ماؤں کی طرح ہیں. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ اس قسم کی جو بات کرنا ہے یہ بالکل نامناسب بات ہے. کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم کہ یہ جو زہار کر لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں زہار کرنا گویا کہ اپنی بیویوں کو اب ماں کہہ دینا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو بیوی ہے وہ کبھی بھی ماں کی جگہ نہیں لے سکتی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی سے اس قسم کی کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ کسی ایک غلام کو آزاد کروایا جائے یا پھر اگر اس طرح کی صورت ممکن نہیں ہے تو پھر 60 دن کے روزے رکھے جائیں یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے. یہ گویا کہ اس کا کفارہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس قسم کی بات کر دے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر وہ حزب الشیطان اور حزب اللہ کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ یہ جو شیطان کی پارٹی ہے اس کا बुनियादी औसाफ क्या हैं, उसका अकीदा क्या है, उसके लिए अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इन्नल्लज़ीना युहाद्दून अल्लाह व रसूलहु उलाइका फिल अज़ल्लीन, कि ये वो लोग हैं कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हैं, जिन्होंने इस दीन के साथ दुश्मनी की है, जिन्होंने इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह के जो दुश्मन हैं, अल्लाह ताला उनको ज़लील व ख़ार करके रखेगा। और असल में ये हैं वो हिज़्बुश शैतान, ये शैतान के साथी हैं, उसकी पार्टी के लोग हैं कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी रखते हैं। इसके बरअक्स अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक है हिज़्बुल्लाह, वो जो अल्लाह की पार्टी है, उसके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहा है उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, अल्लाह की पार्टी जो है उसमें जो लोग जो शामिल हैं उनका बुनियादी वस्फ़ क्या है कि उनके दिलों के अंदर वो ईमान मौजूद है, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, और फिर अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी देना, उसके लिए जद्दोजहद करना। ये वो चीज़ है कि जो मुमय्यज़ करती है हिज़्बुश शैतान को हिज़्बुल्लाह से। फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि लाजमी बात यह है कि ये हिज़्बुश शैतान दुनिया में तो चाहे जो भी ये कर लें, लेकिन आखिरत में ये कामयाब होने वाली नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने पहले भी फरमा दिया उलाइका फिल अज़ल्लीन, ये सबसे ज़्यादा ज़लील होने वाले हैं, रुस्वा होने वाले हैं। और इसके मुकाबले में अल्लाह ताला ने जो हिज़्बुल्लाह है उसके बारे में फरमाया अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून, कि ये अल्लाह की पार्टी है, यही कामयाब है, यही फलाह पाने वाले में आखिरत में जो कामयाबी मिलेगी ये अल्लाह की पार्टी के, जिनके दिलों के अंदर ईमान है, जिनके दिलों के अंदर अल्लाह की मोहब्बत है, वो गोया कि वो जागुजी हो गई है, ये अल्लाह की पार्टी ही आखिरत में कामयाब होने वाली है। इसके बाद सूरह हशर आ रही है, ख़ास तौर पर ये सूरह हशर के अंदर वो जो यहूद का एक कबीला था बनु नुज़ैर, कि जो जिसने ख़ास तौर पर उस ग़ज़वा-ए अहज़ाब के दौरान वो गोया कि वो बदअहदी की थी, अल्लाह ताला ने अब उनके लिए गोया कि वो सज़ा वो मुकर्रर की। ख़ास तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ग़ज़वे से फ़ारिग़ हो कि सबसे पहले इनकी तरफ मुतवज्जे हुए कि अब इनका जो है वो मामला ख़त्म कर दिया जाए। और फिर अल्लाह ताला ने गोया कि वो हुक्म दिया, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनको हुक्म दिया कि अब तुम्हें जिलावतन कर दिया जाएगा, तो उनको मदीने से निकाल दिया गया। उसकी तरफ इशारा हो रहा है हुवल्लज़ी अखरजल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताब मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र, कि ये वो लोग हैं कि जिनको वो पहले ही हल्ले के अंदर अल्लाह ताला ने गोया के उनके वो असल में उनके वो बहुत महफूज किस्म के किले थे कि जिनके अंदर वो बंद थे, लेकिन अल्लाह ताला ने गोया के उनको मजबूर किया कि वो उन किलों से बाहर आएँ। और फिर उनका चूँकि मुहासरा किया गया था, और फिर उनके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया कि अब इनको जिलावतन कर दिया जाएगा। तो ये गोया कि उनको वो यहूद का वो जो कबीला था उसको वो सज़ा दी गई, उसकी तरफ ये इशारा है। फिर इस सूरह मुबारका के आखिर के अंदर वो बहुत बहुत ही अहम आयात आई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, वो जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुमने अपनी आखिरत के लिए क्या भेजा है, तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। ये अहम चीज़ अल्लाह ताला ने बयान फरमाई। और फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह, कि देखो तुम उन लोगों में शामिल ना हो जाना कि जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया। वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम, कि अगर उसका नतीजा क्या निकलेगा कि अगर तुम अल्लाह को भुला दोगे तो अल्लाह तुम्हें अपने नफ्सों से गोया के वो बुला देगा और तुम्हें उनसे बेखबर कर देगा। यानी तुम अपनी असलियत को, तुम अपनी शख्सियत को भूल जाओगे। जिस शख्स ने भी अल्लाह को गोया के बुला दिया, उसकी तरफ अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा रहा है कि उन लोगों की मानत मत हो जाना कि जिन्होंने अल्लाह को बुला दिया। वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम। और फिर वही कुरान मजीद के बारे में वो अजीम आया मुबारक आ रही है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, कि अल्लाह ताला अगर इस कुरान मजीद को किसी पहाड़ पर उतार देता तो तुम देखते कि वो पहाड़ भी उस कुरान मजीद की हैबत से गोया कि रेज़ा रेज़ा हो जाता। ये है वो कुरान मजीद की अज़मत कि अगर इस कुरान मजीद को किसी पहाड़ पर भी अल्लाह ताला नाजिल फरमा देता तो वो भी रेज़ा रेज़ा हो जाता। तो इसमें हमारे लिए सबक ये है कि हमारे दिल इतने सख्त ना हो जाएं कि हम कुरान मजीद की वो तालीमात को जज्ब ना कर सकें। तो ये हमारे लिए है कि अगर कुरान मजीद उस पहाड़ को रेज़ा रेज़ा कर सकता है तो ये हमारे दिलों को भी इसको नरम करना चाहिए, तो उसकी तरफ यहाँ पे इशारा फरमाया जा रहा है। इसके बाद सूरह मुम्तहना आ रही है कुरान मजीद के अंदर, और ख़ास तौर पर इसके अंदर भी वही हिदायत दी जा रही हैं कि अल्लाह के दुश्मनों से दोस्ती नहीं रखी जा सकती। जो भी कोई हकीकी मोमिन है, जो अल्लाह के दीन से मोहब्बत रखने वाला है, उसके लिए ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह के दुश्मनों से दोस्ती रखे। उसके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीन आमनू, कि ए ईमान वालों। आप देखिए कि यहाँ पर अक्सर जो खिताब हो रहा है या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ए ईमान वालों, ए ईमान वालों, यूँ करो यूँ करो, ये सारी हिदायत हम देखेंगे कि ये मुसलमानों से दी जा रही है। इसलिए ये जो 10 सूरतें हैं ये ख़ास तौर पर हमारे लिए इस दौर के अंदर बहुत ज़्यादा रहनुमा असूल बयान करती हैं। हमें चाहिए कि हम इनका बार बार मुताला करें और इनके अंदर जो भी रहनुमाई है उसके ऊपर हम अमल पैरा होने की कोशिश करें। यहाँ फरमाया जा रहा है या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया, कि तुम मेरे दुश्मनों को और अपने दुश्मनों को दोस्त मत बनाओ। ये मुमकिन नहीं है कि एक इंसान के अंदर अल्लाह पर यकीन हो, अल्लाह के रसूल और अल्लाह के दीन के साथ मोहब्बत हो और अल्लाह के दुश्मनों के साथ दोस्ती कर रहा हो। तो ये अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये मुमकिन नहीं है। ये एक तर्ज अमल जो है ये बिल्कुल अकल में आने वाला नहीं है, समझ में आने वाला नहीं है। फिर इसमें एक अहम मजमून ये भी आ रहा है कि ये भी होता था कि जो हिजरत करके जो लोग आ रहे थे, अब ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे सही मोमिन हों। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोया कि अब ये हिदायत दी जा रही है कि ख़ास तौर पर कि जो ख़वातीन हिजरत करके आ रही हों तो उनके ईमान का, उनके इस्लाम का इम्तिहान ले लिया करो। ये ना हो कि कोई शख्स, जिसे हम कहते हैं कि कोई बहरूप या किस्म का कोई शख्स आ जाए जिससे नुकसान मुआशरे को हो सकता है। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीन आमनू। देखिए यहाँ फिर वही या अय्युहल्लज़ीन आमनू के वो अल्फाज से गोया कि खिताब किया जा रहा है। इज़ा जाअकुमुल मोमिनात, कि जब कोई ऐसी ख़वातीन के जो ईमान की दावेदार हों वो आपके पास आएँ, मुहाजिरात इन जो हिजरत करके आएँ, फमतहिनूहुन्ना, तो आप उनका इम्तिहान ले लिया करें, उनको टेस्ट कर लिया करें, उनके ईमान का गोया के इम्तिहान ले लें कि आया वो वाक़ियतन मोमिना है या नहीं है। क्योंकि अगर वो इस किस्म का मामला हो कि वो मोमिना नहीं है तो फिर यकीनन उस मुआशरे के अंदर कुछ बदअमनी फैलने का भी गोया कि वो इम्कान हो सकता है। इसके बाद सूरह सफ़ आ रही है कि जो कुरान मजीद की नहायत ही अजीम सूरह मुबारक है। ख़ास तौर पर इसके अंदर भी वही जो हम बार बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद बेहसत कि आपको को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में मबूस क्यों फरमाया था, वो इस सूरह मुबारक में भी आई है। उसको हमने पहले भी पढ़ा कि जो सूरह तौबा में जिसका ज़िक्र आया था, फिर सूरह फ़तह में उसका ज़िक्र आया और ये तीसरी जगह यहाँ पे आ रहा है हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली, कि वही है ज़ात, वही है अल्लाह ताला कि जिसने अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा दो चीज़ें देकर। वो क्या थी? अल हुदा और दीनिल हक़। ये कुरान मजीद और दीन हक़ देकर भेजा कि ये जो दीन है यानी वो अदल व किस्त का निज़ाम देकर भेजा। और उसका मकसद क्या था? लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली, कि जो भी मुआशरे के अंदर किसी भी किस्म का और जो भी सिस्टम ज़िंदगी गुजारने का कोई और तरीका जो राइज है उसके ऊपर ये दीन हक़ को गोया के नाफिज कर दिया जाए। अब जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया है, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी यह है कि तमाम दूसरे सिस्टम्स ऑफ लाइफ के ऊपर इस दीन, इस इस्लाम को गोया के गालिब कर दिया जाए। अब जो दीन होगा वो इस्लाम होगा कि जो उस मुआशरे के अंदर नाफिज़ो कायम होगा, उसके मुताबिक तमाम फ़ैसले होंगे। अब दीन हक़, अल्लाह का दीन जो है वो गालिब होगा। फिर उसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें बताऊँ एक ऐसी तिजारत के जिसको अपनाने से तुम उस दर्दनाक अजाब से बच सकते हो। गोया कि ये भी तरगीब दी जा रही है कि अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई है उसके लिए मेहनत करनी है। अब वो मेहनत कौन करेगा? वो वही मेहनत करेंगे कि जो इस दीन को और जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन में उनके साथ शामिल हो गए। उनके लिए फरमाया जा रहा है कि तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम, कि अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मेहनत करो, जिहाद करो अल्लाह की राह। फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम, इसमें माल भी लगेगा, इसके अंदर जान भी लगेगी, मुजाहिदा करना पड़ेगा। ये कोई घर में बैठे बिठाए अपने घरों के अंदर बैठ के ये दीन किसी तरह नाफिज नहीं हो जाएगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ज़ालिकुम खैरुल्लकुम इन कुंतुम तालमून, ये ही तुम्हारे लिए बेहतर है और इसी में तुम्हारे लिए भलाई है, इसीलिए इसी में तुम्हारे लिए खैर है अगर तुम्हें इसका इल्म हो। ये जिहाद पे निकलना, ये अल्लाह के दीन के लिए मेहनत करना, इसमें तुम्हारे लिए ज़िंदगी है, इसमें तुम्हारे लिए खैर है, क्योंकि उसके इस जिद्दोजहद के जो नतीजे में जो निज़ाम बर्पा होगा उसके अंदर इतनी खूबसूरती होगी कि उससे हर शख्स गोया के फ़ायदा उठा सकता है। तो लाजमन उसके अंदर खैर ही खैर होगा। फिर इसी सूरह मुबारक के अंदर अल्लाह ताला फिर वो दोबारा इरशाद फरमा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह, कि अल्लाह के अंसार बनो, अल्लाह के मददगार बनो। अब ये अल्लाह के मददगार बनने का मतलब क्या है कि अल्लाह के दीन के मददगार बनना है, हमें अल्लाह के दीन की मदद करनी है, अल्लाह को किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सूरह जुमा आ रही है कि जिसके अंदर ये जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मिशन दिया गया था, कि जो जिसका हमने पिछली सूरह मुबारक में पढ़ा कि अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो चीज़ें दे के भेजा ताकि वो उसको गालिब कर दें। अब वो मिशन जो है उसकी तकमील के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तरीका कार इख्तियार फरमाया, किस तरह से आपने लोगों की तरबियत फरमाई, किस तरह से आपने वो असहाब-ए-कार जिन लोगों की तरबियत की, ट्रेनिंग की, उसका आलाकार क्या था, उसका तरीका क्या था, वो ये सूरह जुमा में इरशाद फरमाया कि चार काम थे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उन कारकुनों को तैयार करने के लिए गोया के इख्तियार फरमाए। यतलू अलैहिम आयातिही, अब देखिए कि ये जो सारा जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम है ये कुरान मजीद के गिर्द घूमता है। ये सारा जो तिलावत कुरान, ये उनके ऊपर ये जो आयात हैं अल्लाह ताला की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को कुरान मजीद की तिलावत करके फरमाया करते थे, उसके ज़रिए से तज़कीर फरमाया करते थे। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, ये जो तज़किया किया जा रहा है ये भी कुरान के ज़रिए से किया जा रहा है, वहाँ कोई और ज़रिया नहीं था। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, और फिर अल्लाह ताला ने वही चीज़ फरमाई कि देखो तुम उन लोगों की तरह ना हो जाएंगे जिनको पहले किताब दी गई थी और उन्होंने उस किताब के गोए की ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं किया। मसलुल्लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारी यहमिलु असफारा, तो ये यहूद की मिसाल दी गई। उसके बाद सूरह मुनाफिकून आ रही है कि जिसमें मुनाफिकीन की अलामात बयान की गई और फिर उसका इलाज बताया गया कि इस मुनाफकत का इलाज क्या है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, कि तुम्हें अब तुम्हारे ये माल और तुम्हारी औलाद अल्लाह की याद से गाफिल ना कर दे। अगर ये गफलत हो जाए यही वो निफाक पैदा करने की अलामत होती है। और फिर इस निफाक की अलामत को जो दूर करने का तरीका है वो यही है कि माल को खर्च किया जाए, माल को अल्लाह के दीन के लिए लगाया जाए और फिर अल्लाह ताला का जिक्र किया जाए। इसके बाद इसकी जो दूसरी जो एक इंतहा हो सकती है, एक तो वो निफाक है और एक वो है कि इंसान के दिल के अंदर ईमान मजबूत हो जाए, उसके लिए सूरह तगाबुन आ रही है कि जिसके अंदर अल्लाह ताला ने वो ईमान के समरात बयान फरमाए हैं कि इंसान के में जब वो ईमान आ जाता है तो फिर वमन युमिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बा, और फिर तवक्कुल अल्लाह के ऊपर आ जाता है। फिर इसी सूरह मुबारक के आखिर में वो दो सूरतें आ रही हैं कि जो दो इंतहाएँ हैं कि अगर एक मियाँ बीवी के अंदर वो मुवाफ़क़त ना हो तो फिर उसका नतीजा क्या निकलता है कि वो तलाक तक नौबत आ जाती है। लेकिन उसकी दूसरी शक्ल क्या है कि मियाँ बीवी और इस घर के अंदर मोहब्बत इतनी ज़्यादा हो जाए मियाँ बीवी के अंदर कि फिर वो अल्लाह ताला के अहकामात टूटने का गोया के डर हो जाए। उसको अल्लाह ताला ने सूरह तहरीम के अंदर फरमाया कि अपनी बीवियों के साथ इतनी मोहब्बत नहीं हो जानी चाहिए या इतनी मोहब्बत या इतनी इंतहा नहीं हो जाए कि उससे अल्लाह ताला की अहकामात, अल्लाह ताला की शरीयत के अहकामात टूटने का ख़तरा हो। तो ये दो इंतहाएँ हैं कि जो सूरह तलाक और सूरह तहरीम में अल्लाह ताला ने गोया के बयान फरमाई। अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों को अमल में लाने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिलायाति व ज़िक्रिल हकीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Planning on buying, selling, or investing in real estate? and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा। अपने प्यारों को बुलाइए कनाडा में बसाइए। आईसीसी इमिग्रेशन मुस्तकबिल सवारे आसानी के साथ। आईसीसी के साथ आईसीसी इमिग्रेशन के RDMD और उनकी प्रोफेशनल टीम हेड ऑफिस मिसिसागा से आपको सर्व कर रही हैं। बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप या किसी भी अप्रूव कैटेगरी में आप अपने प्यारों को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो अभी कॉल कर लें 905-461-2424। आईसीसी इमिग्रेशन। Introducing contemporary traditional style freehold townhomes that are designed for potential multi-residential units. Conveniently located in serene and lush town of Beaverton, Ontario. New Highway 404 extension, walking distance to the beach, designated fishing area, excellent positive cash flow potential through Airbnb. Live at a home that pays for itself. Limited offer with our exclusive deposit structure of $2,000 per month. Don't wait. Serene lakeside community, Beaver on the Lake awaits you. Team Farhan, mortgage solutions designed for you. 15-year experience of mortgage services. Customized mortgage solutions as per your need. Commercial, residential, construction and agricultural mortgage. Our lowest mortgage rate. Team Farhan को एक दफा खिदमत का जरूर मौका दीजिएगा। And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. 416-569-9294. TeamFarhan.com. In this world, nothing is certain except death and taxes. But did you know that if you don't plan properly, your family can lose 25 to 50% of your hard-earned assets to taxes when you die? It doesn't have to be that way for you. For over 20 years, my team and I have been helping small business owners, corporate professionals, and wealthy families minimize their taxes and maximize their estates. Your planned future success is our passion. We look forward to helping you to maximize your financial life and legacy. Call me when you are ready. Assalamu alaikum. From my family to yours, I want to wish you a very blessed Ramadan, a time of charity and spiritual contemplation. Ramadan reminds us to put others' needs before our own and to practice those values in our daily lives. I hope and pray that the blessing of this holy month shower upon you and your loved ones. Ramadan Mubarak. I was told to pay and get the money back from the cashier. Can I ever be good at finance management? Successful leadership requires a strong foundation. My School is a unique concept to engage middle to high school students by providing them with leadership concepts and exercises from professional coaches and industry speakers to give expert advice and career counseling for future leaders. My School, the School of Leadership. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate, serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majeed, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals. Welcome to Panam Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us, with Panam Blinds in Improved. You can save your 85% energy. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have, and enjoy your comfort of life. You know, we were always trying how to get a house. You remember the Royal Financial Group flyer you gave me for the mortgage? Oh yes, Shiraz Hussain, who did our mortgage too. Yes, I actually went to their office. The staff was so professional. They're expert in their services. And you know what Shiraz said? We have more than 100 lenders to help you to find our right qualified lenders and program for your purchase, refinancing, any of your commercial needs. At the Royal Financial Group, we deliver what we promise. Royal Financial Group. Never put a limit on your dreams. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff, always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. Radio Pakistan Toronto. Radio Pakistan Toronto की नशियात अब आप सुन सकेंगे चिन FM 100.7 पर हर शाम 7:30 से रात 10 बजे तक अपने होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी के साथ। आपकी आवाज, आपकी बातें, हमदोनात, न्यूज, टॉक शोज, आपकी मौसीकी आप ही के अंदाज में। अब आप सुनिए रेडियो पाकिस्तान टोरंटो की नशियात चिन FM 100.7 per. For more information and sponsorship, call 416-300-5600.